हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे इकोनॉमिक्स का बिजनेस विद आईपीटी 2022 चल रहा है। इसका पार्ट नंबर भी हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं वो लोग जाकर के देख सकते हैं, वहां पर आपको बहुत अच्छे से सब कुछ पढ़ाया गया है। देखिए, हमारी इकोनॉमिक्स का पार्ट नंबर बी है। देखिए, इकोनॉमिक्स के पार्ट नंबर ए और बी एक अलग है, जिसमें कृषि लिखा हुआ होगा, एग्रीकल्चर वहां पर कवर कराया था। यहाँ पर जो कोर इकोनॉमिक्स का पार्ट है उससे रिलेटेड जो करंट अफेयर है हम उसको यहाँ पर देखने जा रहे हैं, तो उसका ये पार्ट नंबर भी आपको देखने को मिलेगा। देखिए, हम थोड़ा सा साइड हट जाते हैं जिससे आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर दिख जाए। ओके, तो देखिए, आप लोगों के बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि सर जो क्लासेस है वो कंटिन्यू लीजिए, सर क्लासेस हैं वो कब चलेंगी, क्लासेस हैं सर आपने अभी बीच में कुछ दिनों से बंद क्यों कर दी। इसके अलावा कुछ लोग जैसे कि विवेक हैं, वो बोल रहे हैं कि सर मेरा 2023 में मुझे पेपर देना है, अगर हो गया तो आपके लिए मिठाई लेकर के आऊंगा। तो हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आपको ये मौका है जल्द से जल्द मिले, और हम चाहते हैं ये मौका है वो सभी को जल्द से जल्द मिले। आप लोग जल्दी से सक्सेस होइएगा। ओके, ये हमारी सारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है, पूरा क्लब आप लोगों के साथ है। ओके, इसके अलावा देखिए, कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर इन्वायरमेंट और जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है वो भी यहाँ पर बिजन 365 पे कवर करा दीजिए, तो वो भी अब आपका कवर करा दिया जाएगा। और साथ में देखिए, यहाँ पर जो ट्विंकल है, वो ट्विंकल जायसवाल वो बोल रहे हैं कि सर मुझे यूपीएससी जो प्री है उसके लिए थोड़ा सा गाइड कीजिए, जिससे मेरा वो क्वालिफाई हो जाए। तो आपको पूरा गाइडेंस मिलेगा, और एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट एक एक बैच है वो हम यूट्यूब पर फ्री पढ़ाने वाले हैं। वो हमारी ऐप पर नहीं चलेगा, वो यूट्यूब पर ही चलेगा। वो आपको बता देंगे कि कब से उसकी क्लासेस हैं स्टार्ट होने वाली हैं, और वो बैच है अकेले हम नहीं पढ़ाएंगे, बहुत सारे लोग आप लोगों को मिलकर के पढ़ाएंगे। ओके, और देखिए यहाँ पर जैसे सचेत यादव है वो बोल रहे हैं कि सर आपकी जो एक्सप्लेन करने की स्ट्रेटजी है वो बहुत अच्छी है, और इससे हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। तो देखिए, सभी मेंबर हैं जिन्हें बहुत अच्छा लगता है कि हम इतनी सरल भाषा में समझाते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से धन्यवाद कि आप लोग क्लब को इतना ज्यादा प्यार कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, इसी तरह से क्लब को आगे बढ़ाते रहिए। आप लोगों को वैल्यूएबल कंटेंट है वो हमेशा हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। और देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो थैंक यू बोल रहे हैं, और बहुत सारे लोगों के यहाँ पर मैसेज हम ऐड नहीं कर पाए क्योंकि यहाँ पर लिमिटेशन होती है कि बहुत सारी बनना कितने मैसेज हम यहाँ पर दिखाएंगे। सर क्लासेस है वो कंटिन्यू लीजिए, तो क्लासेस है वो देखिए कंटिन्यू लेंगे, लेकिन अभी कुछ दिनों से इसलिए बंद हो गई थी। चलिए आपको बता देते हैं, जैसे आप जानते हैं 3-4 दिन पहले से हम क्लास ले रहे थे, जिसमें आपका इकोनॉमिक्स पार्टी मॉर्निंग में लिए थे। इसके अलावा यहाँ पर आपकी हिस्ट्री की भी क्लास चली थी शाम को, ये हिस्ट्री की क्लास ले रहे थे। तो देखिए, यहाँ पर हम बैठे हुए हैं जो क्लास ले रहे हैं, तो इतनी ज्यादा गर्मी हो गई थी। अब देखिए, यहाँ पर हम प्रयागराज में रहते हैं, प्रयागराज में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, मतलब हद से ज्यादा यहाँ पर गर्मी होती है। तो इस वजह से यहाँ पर जो हमारा रूम है वो, मतलब जो स्टूडियो है वो ऊपर है, स्टूडियो ऊपर होने की वजह से ये एकदम हॉट चैम्बर बन जाता है, तो हम पसीने से भीग गए थे। जैसे देखिए, यहाँ पर सौख्या मैम है, उन्होंने कहा भी था कि सर फैन ऑन कर लीजिए, आपको बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है। देखिए, पहले भी हम पढ़ाते थे तो बहुत ज्यादा पसीना आता था, गर्मी पहले भी होती थी, लेकिन पहले हमारे स्टोन नहीं था। जैसे आप लोग जानते हैं कि स्टोन हो गया, तो स्टोन में जैसे डिहाइड्रेट होते हैं ना, तो चुमन स्टार्ट हो जाती है, पानी की कमी जैसी बॉडी में होती है तो जो स्टोन होता है उसमें चुमन होने लगती है, तो बहुत पेन होने लगता है। तो इसका अल्टरनेटिव हम सोचने लगे कि जैसे वो गाना नहीं है, हाय हाय गर्मी। ओके, तो हाय हाय गर्मी वाला ये माहौल एकदम हमारे रूम में बन गया था। तो इसको दूर करने के लिए पहले हमारे पास जो आयरन कूलर था, इसको पहले हम अपने स्टूडियो में लगाई थे, लेकिन इतना ज्यादा नॉइस हो रहा था कि वीडियो जैसे ही हम क्लास ले रहे थे तो इतना ज्यादा शोर खराबा हो रहा था कि कुछ हमारी आवाज नहीं आ रही थी, कि कूलर की आवाज आ रही थी। फिर कुछ लोग बोले थे, जब हम यहाँ पर बहुत सारे कूलर देखने गए थे, फिर किसी ने बोला था कि हम सर डाइट कूलर ले लीजिए, डाइट कूलर होता है वो आवाज नहीं करता है, वो ब्लोअर बेस होता है। तो हमने कहा चलो डाइट कूलर लेकर के आते हैं। फिर हम गए थे तो डाइट कूलर यहाँ पर नहीं मिल रहा था, फिर हमें यहाँ से काफी दूर एक सलारी वहां जाना पड़ा था, उसका देखिए आप लोगों को वीडियो भी डालेंगे, हम पूरी वीडियो भी बनाए थे। तो वो सलारी गए थे, फिर वहां पर ये डाइट कूलर लेकर के आया, डाइट कूलर लगाया था। इसका लगाने वाला फोटो हमारे पास नहीं है क्योंकि हमने गूगल से ही लिया है जो यहाँ पर लगाए थे। तो फिर से हम क्लास रिकॉर्ड करके देखे थे तो फिर से बहुत ज्यादा नॉइस आ रहा था, क्योंकि ये ब्लोअर बेस होता है, इसका थ्रेशोल्ड इतना हाई होता है कि ऐसा लगता है कि बगल में कोई ड्रिल कर रहा हो। तो ये भी फिर इसको रिटर्न करके आए, और फिर हमने यहाँ पर अल्टरनेटिव एक छोटा सा कूलर है, इसको खुद से मॉडिफाई कराया है, इसका जो स्पीड है वो स्लो कराया है, और इसमें जो अंदर मोटर होती है उसमें जो ज्यादा खड़खड़ कर की आवाज होती है उसको भी एकदम स्लो करा दिया, क्योंकि आप लोग जानते हैं जो माइक होता है वो बहुत ज्यादा नॉइस कैच करता है। तो इस वजह से आप लोगों की 2-3 दिनों से हम बहुत ज्यादा परेशान थे, कई सारे कूलर हमने यहाँ पर लगा लगा के चेक किए, तो अंततः जाकर के एक छोटा सा कूलर है, इसको स्पीड है इसकी बहुत ज्यादा स्लो करा दी है, इसमें जो नॉइस था वो एकदम कम करा दिया, इसमें पूरा फाइबर और साथ में रबड़ की छल्ले लगवा करके इसमें एकदम नॉइस को कैंसिल किया गया। तो इसी वजह से आप लोगों की क्लासेस हैं वो
कुछ दिनों के लिए बंद हो गई थी, मतलब 3 4 दिनों के लिए, जिससे ये स्टूडियो प्रॉपर रूप से चल पाए। ओके, तो अब क्लासेस हैं, अब देखिए जब लगाया है तो इतना ज्यादा कूल तो नहीं करता क्योंकि ये छोटा है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में रूम को ठंडा कर देता है, जिससे हम देखिए अभी पसीना नहीं आ रहा है बिल्कुल आज भी, बल्कि आज दोपहर में लगभग में अभी 12 1 बज रहा होगा तो ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन पसीना नहीं आ रहा, तो इतना अब पर्याप्त मात्रा में, यानी कि अब आपको कभी भी कितनी घंटे की भी क्लासेस दे सकते हैं, 6 घंटे भी आप लोग पढ़ना चाहते हैं 6 घंटे भी आप पढ़ा सकते हैं, 7 घंटे भी पढ़ा सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। समस्या था उसी टाइम थी जब हम पसीने में भीग जाते थे। ओके, तो 10,000 का टारगेट है, इसको कंप्लीट कर दीजिए। 10,000 का टारगेट है, वो कंप्लीट करने पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक पूरा बैच है जो यूट्यूब पर पढ़ाया जाएगा हमारे टीम के द्वारा। ओके, और जो हमारा टारगेट है वो जल्दी से आप लोग कंप्लीट कर दीजिए। चलिए हम लोग चलते हैं अपने लेक्चर के ऊपर। ये देखिए बहुत सारी वीडियो है आपको मिलने वाली है, यहाँ पर एक इकोनॉमिक्स है वो आपको कवर करा दिया गया, तो जाकर के देख लीजिए। सिर्फ 8 से 8:30 घंटे में पूरा इकोनॉमिक्स से है उसका रिवीजन करा दिया गया है, तीनों तीन पार्ट में कराया गया है, जाकर के देख लीजिए आप। ओके, चलिए हम लोग अब चलते हैं अपने लेक्चर के ऊपर, हम लोग चलते हैं। इसके अलावा देखिए एक इम्पोर्टेंट चीज बता देते हैं कि यहाँ पर ये जो बिजनेस 365 है, जो क्वालिटी की, ये आप लोग जाकर के देख सकते हैं। इसके अलावा पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोगों को नीचे लिंक है, वो बाद में दे दिया जाएगा, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण सूचना है, अभी आप लोग अचीवर बैच में कुछ दिनों तक एडमिशन मत लीजिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ दिनों तक क्लासेस स्थगित रहेंगी। ओके, तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है, और जिन लोगों ने अभी तक हमारी ऐप को इंस्टॉल नहीं किया, ऐप को इंस्टॉल कर लें। यहाँ पर देखिए एक है इकोनॉमिक्स के फुल लेक्चर पड़े हुए हैं, जिसमें पीटी और मेस दोनों के लिए पढ़ाया गया, लगभग में 30 से 40 लेक्चर होंगे, जाकर के परचेस कर लीजिए 99 रुपीज में। और अगर नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, हमारे यूट्यूब चैनल पर भी बहुत सारे लेक्चर पड़े हुए हैं, और भविष्य में आपको पढ़ाया भी जाएगा, तो आप लोग वहां भी लाइव क्लासेस के थ्रू भी कवर कर सकते होंगे, तो समस्या वाली बात नहीं। लेकिन जिन्हें अभी कवर करना है तो बहुत ही बेसिक से एडवांस तक, तो आप लोग जाकर के लेक्चर देख सकते हैं। और जो लोग इस बार 2022 का पीटी दे रहे हैं, वो लोग मैराथन क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है, वो वाली जाकर के देख लीजिए। ओके, तो चलिए हम लोग चलते हैं अब अपने लेक्चर के ऊपर। देखिए एक महत्वपूर्ण सूचना यहाँ पर आपको दे देते हैं, ध्यान से सुनिएगा क्लास को स्टार्ट करने से पहले। देखिए यहाँ पर हम आपको कराधान के बारे में लास्ट लेक्चर में जब पढ़ा रहे थे, तो यहाँ पर हम बताए थे कि जो भूतलक्षी और पूर्वव्यापी कराधान है, इसमें हम बताए थे, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया गया है, कि देखिए चेंज क्या किया गया था, जो हम आपको बताए थे। देखिए यहाँ पर ये डेट दे रखी है जो काफी इंपॉर्टेंट है, 28 मई 2012 से पहले। देखिए 28 मई 2012 से पहले भारतीय परिसंपत्तियों के लिए अप्रत्यक्ष हस्तांतरण के लिए जो भी कर या शुल्क लगाया गया है उसे अमान्य गवर्नमेंट है वो घोषित कर देगी। ओके, और साथ में जिन लोगों से इस कर या फिर जो शुल्क है उसकी वसूली की जा चुकी है उसे गवर्नमेंट रिटर्न करेगी, लेकिन यहाँ पर हम बोल दिए थे कि ब्याज सहित। ओके, लेकिन यहाँ पर देखिए, जो जैसे कि मानते हैं आपसे 100 रुपए की वसूली कर ली गई थी, इस 100 रुपए को रिटर्न किया जाएगा, और हम प्लस बोले थे इस पर ब्याज। ओके, ब्याज सहित नहीं है, बल्कि यहाँ पर आपको ब्याज रहित देखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा, यानी कि ब्याज नहीं देगी गवर्नमेंट, जितना आपने पैसे पे किए थे कर के रूप में या फिर शुल्क के रूप में, सिर्फ वही रिटर्न करेगी। ओके, जो इम्पोर्टेंट चीज, जैसे आपने 20 रुपए अगर पे किए हैं तो सिर्फ 20 रुपए ही रिटर्न मिलेगा, भले ही 10 साल में उस पर ब्याज कितना भी बनता हो, ब्याज नहीं मिलेगा। महत्वपूर्ण चीज यही थी, और कुछ इसमें रॉकेट साइंस वाली चीज नहीं है। ओके, चलिए हम लोग चलते हैं आज के लेक्चर के ऊपर। देखिए समावेशी विकास के ऊपर हम लोग आ जाते हैं, इसको पहले से थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जिससे आप लोगों के लिए एकदम क्लियर दिख सके। देखिए कुछ लोग कहते हैं कि सर थोड़ा जूम करके पढ़ाइए, देखिए आपको दिखाते हैं, जूम करके अगर हम पढ़ाएंगे तो देखिए कट जाता है। अब देखिए इधर इधर के शब्द हैं वो नहीं दिखते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बार बार हमको ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, बार बार हम इधर उधर करेंगे ना तो आप लोगों का तेरे वो चकराने लगेगा। ओके, इसलिए क्या क्या करिए, जब भी आप लोग लेक्चर देखें तो आप लोग 480 पिक्सल में या फिर 360 में आप लोग देखेंगे, एकदम क्लियर दिखेगा, क्योंकि हम पीसी में देखते हैं। ओके, तो आप लोगों को एकदम परेशान नहीं हो रहा है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान भाषा में आप लोगों को पढ़ा देंगे, इकोनॉमिक्स है जो आपके ऊपर से निकल जाती है, अब आपके अंदर से जाएगी और बाहर नहीं निकलने वाली। ओके, तो पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखिए। ओके, पहले इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं जिससे आप लोगों को पूरा क्लियर दिख सके। ओके, तो देखिए आपको काफी महत्वपूर्ण चीज आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो चीज है वो आपको देखने को मिलेगा कि समावेशी विकास के अंतर्गत इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होता है वो आपको मैराथन क्लासेस में आपको पढ़ा दिया गया, इंक्लूसिव ग्रोथ किसे कहते हैं। देखिए न्यूज में क्या आया, तो न्यूज में आया नेशनल मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी इंडेक्स है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं।
देखिए बहुत सारे लोग हैं कॉल करते रहते हैं यार, कॉल आप लोग अभी मत किया करिए। देखिए हम क्लासेस हैं वो रिकॉर्ड करते रहते हैं या फिर लाइव क्लासेस लेते हैं, तो लाइव क्लासेस लेते हैं तो आप लोगों को पता चल जाता है, लेकिन कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, तो इस वजह से आप लोग कॉल मत किया करिए, मैसेज कर दिया करिए व्हाट्सएप पर, हम देख करके रिप्लाई कर दिया करेंगे। ग्रुप में अभी मैसेज बंद कर दिए गए, आप पर्सनली हमें मैसेज कर सकते हैं, सभी के मैसेज का रिप्लाई किया जाएगा। देखिए ऐसे बार बार डिस्टर्ब होता है, हम सभी के कॉल देखिए कुछ दिनों से बहुत ज्यादा कॉल आने लगे हैं। अब देखिए अगर ज्यादा आप लोग बहुत ज्यादा कॉल करेंगे तो हम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो हमें हो सकता है अपना नंबर यहाँ से हटाना पड़ेगा। आप लोग जो बहुत ही जरूरी हुआ करे, बहुत ही ज्यादा जरूरी हुआ करे तभी कॉल किया करिए, अन्यथा आप लोग सिर्फ मैसेज कर दीजिए। देखिए आप लोग हम इतना ज्यादा सहयोग करते हैं, कोई भी टीचर डायरेक्ट आप लोगों से बात नहीं करता है, लेकिन हम आपसे डायरेक्ट बात करते हैं, लेकिन आप उसका मिसयूज तो मत कीजिए, ओके, ध्यान रखिएगा इस चीज का। अभी हम साइलेंट कर देते हैं, फोन बार बार फोन आ रहा है किसी का पता नहीं। तो देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। तो आखिर आपको देखिए जब भी कोई भी इंडेक्स आता है उसमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी होती हैं, तो नंबर एक ध्यान रखना होता है ये इंडेक्स है ये किस परिप्रेक्ष्य में निकाला गया है और किसके द्वारा जारी किया गया है। तो देखिए जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है ये नीति आयोग के द्वारा यहाँ पर जारी किया गया, किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया, लेकिन इसमें सहायता सहयोग लिया गया है किसका, एक यूएनडीपी, जो जो आपको यूएन की ही एक संस्था देखने को मिलेगी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड निर्धनता और मानव विकास पहल है, इन दोनों के सहयोग से नीति आयोग है उसने इसके लिए जारी किया है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। देखिए और साथ में इसमें एक डैशबोर्ड भी जारी किया गया, रिपोर्ट के साथ में यहाँ पर डैशबोर्ड है वो भी जारी किया गया। लेकिन महत्वपूर्ण चीज क्या है, महत्वपूर्ण चीज आप लोगों को ध्यान रखना है कि देखिए यहाँ पर ऑक्सफोर्ड निर्धनता मानव विकास पहल है, एक इसका एक ऑक्सफोर्ड की ही एक आपको एक आर्थिक केंद्र देखने को मिलेगा, मतलब एक अनुसंधान केंद्र के रूप में आपको देखने को मिलेगा। और यूएनडीपी क्या है, तो यूएनडीपी है इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए यूएनडीपी है वो गरीबी असमानता और जलवायु परिवर्तन से जुड़े अन्याय को समाप्त करने की लड़ाई लड़ने वाला एक संयुक्त राष्ट्र का ही एक आपको एक संगठन देखने को मिलेगा, प्रमुख संगठन है, ओके। और साथ में आपको देखने को मिलेगा कि जो जो सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने में भी ये मदद करता है, इसके तीन क्षेत्र हैं उनमें इसका ध्यान केंद्रित रहता है। कौन कौन सा, देखिए एक आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर संधारणीय विकास जिसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, दूसरा लोकतांत्रिक शासन और शांति निर्माण है उसको बनाए रखना, और तीसरा जलवायु और आपदा पन में जो होता है उसमें थोड़ा सा लचीलापन फ्लेक्सिबिलिटी को लाना, ओके। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। देखिए दूसरा यहाँ पर बताया गया है जो अभी हम ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के बारे में, तो देखिए अभी हम आपको बताए थे ऑक्सफोर्ड है उसी के अंदर एक आपको अंतरराष्ट्रीय विकास विभाग के भीतर ही एक आर्थिक अनुसंधान केंद्र देखने को मिलेगा, तो ये क्या है, आर्थिक अनुसंधान केंद्र है, ओके। और कोई इंपॉर्टेंट चीज इसमें ध्यान नहीं रखनी है, ज्यादा माथापच्ची टाइप का नहीं करना है। तो देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आपको बता देते हैं, निर्धनता का आकलन है, तो ये निर्धनता का आकलन है इसमें देखिए किन किन चीजों को ध्यान में रखा गया है, तो इसके कारणों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बताया गया है कि बजट जो बचत है उसमें गिरावट आई है और मांग में कमी आ सकती है। अगर देखिए गरीबी बढ़ेगी तो क्या होगा, गरीबी बढ़ने से बचत है उसमें गिरावट आ सकती है, इसके अलावा मांग में कमी आ सकती है, जनसंख्या में बढ़ोतरी से आर्थिक समृद्धि में गिरावट आ सकती है, तो ये आप लोग देख सकते हैं सभी, तो इसमें कोई भी रॉकेट साइंस वाली चीजें नहीं है, ओके। तो थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए आप लोगों को इसमें क्या क्या ध्यान रखना है, तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि देखिए बहुआयामी निर्धनता जो सूचकांक है इसे पहली बार 2010 में 2010 में विकसित किया गया था, किसके द्वारा, तो यूएनडीपी और ओपीएचआई द्वारा इसको जारी किया गया था। तो ध्यान रखना है डेट है थोड़ी सी महत्वपूर्ण हो जाती है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं रटना है, बस एक बार आप लोगों को पढ़ लेना है, ओके। और इतना इसमें माथा पच्ची टाइप का नहीं करना है, लेकिन देखिए जब भी कोई इंडेक्स है कोई भी रिपोर्ट है जारी की जाती है तो उसमें कुछ आयाम होते हैं, मापदंड होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए इसमें आपको तीन आयाम देखने को मिलेंगे, तो इन आधारों पर जो गरीबी है उसकी गणना की जाती है, जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, तीन इसमें प्रमुख आयाम आपको देखने को मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। और आपको देखने को मिलेगा इन्हीं के आधार पर यहाँ पर 10 इंडिकेटर्स हैं उनको कवर किया जाता है, कितने इंडिकेटर्स को, 10 इंडिकेटर को यहाँ पर कवर
कवर किया जाता है। और इसमें जब देखिए जब इंडेक्स जारी किया जाता है तो उसमें कोई ना कोई तो अंक दिए जाते होंगे ना। कैसे पता चलेगा कौन सा देश ऊपर है, कौन सा देश नीचे है, कौन सा राज्य ऊपर है, कौन सा राज्य नीचे है? तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पर अंक दिए जाते होंगे, मार्क्स दिए जाते होंगे। तो यानी कि पैरामीटर स्केल भी होता है। तो देखिए आपको देखने को मिलेगा जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, इसके लिए एमपीआई का मान होता है वो 0 से 1 के बीच में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस इंपॉर्टेंट बात को आप लोगों के लिए ध्यान रखना है। ओके, कितने से कितने? 0 से 1 के बीच में आपको देखने को मिलेगा। ओके, अगर देखिए कोई भी व्यक्ति इन 10 संकेतों में से, जो 10 इंडिकेटर्स हैं, इनमें से 3 या उससे अधिक अधिक इंडिकेटर्स हैं, उनसे अगर वंचित होता है तो उसे माना जाता है एमपीआई पुअर, उसे एमपीआई पुअर बोलते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है एमपीआई पुअर किसे कहते हैं? तो देखिए जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, इसमें जो इंडिकेटर 10 इंडिकेटर दिए गए, इन 10 इंडिकेटर में से तीन से अगर कोई व्यक्ति वंचित है, कम से कम 3 से या फिर 3 से अधिक भी हो सकता है, तो उसे क्या बोला जाता है? एमपीआई पुअर की श्रेणी में रखा जाता है। ओके, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम ग्लोबल लेवल पे बात कर लेते हैं। तो देखिए जो ग्लोबल एमपीआई है, कौन सा ग्लोबल एमपीआई 2021, ध्यान रखिएगा नीति आयोग का भी अपना एक सूचकांक होता है, लेकिन एक ग्लोबल एमपीआई 2021 है। इसमें क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है? देखिए इसमें आपको ध्यान रखना है निर्जातीयता, जाति लिंग के आधार पर असमानताओं को उजागर करना नामक शीर्षक एक सूचकांक जारी किया गया है। और इसमें भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का आपको 109 देशों में से आपको 62वां आपको देखने को मिलेगा स्थान। यानी कि कौन सा स्थान है? 62वां स्थान आपको देखने को मिलेगा, कितने में से? 109 देशों में से। और कितने अंक भारत को मिले हैं? तो भारत को जो अंक मिले हैं वो 0.123। देखिए सिंपल है ना, 0.123। अब देखिए इसमें हम आपको बताए थे जो मार्क्स दिए जाते हैं वो 0 से लेकर के 1 के बीच में दिए जाते हैं। यानी कि 0 का मतलब है कि वहां पर पॉवर्टी एकदम नहीं है, और 1 का मतलब है कि वहां पर पॉवर्टी है, वो अपने चरम स्तर पर है। लेकिन भारत में आपको देखने को मिलेगा 0.123% आपको, यानी कि भारत के अंदर आपको गरीबी उच्च स्तर पर देखने को मिलेगी। ओके, और देखिए पहली बार ग्लोबल एमपीआई में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए पहली बार ग्लोबल एमपीआई में निर्जातीयता या नस्ल के आधार पर 40 देशों में तुलना की गई थी। इसके अलावा जाति के आधार पर आपको देखने को मिलेगा, जाति के आधार पर भारत के लिए, और घर के मुखिया के लिंग के आधार पर 108 देशों के 108 देशों के लिए यहाँ पर अलग अलग गणनाएं भी की गई है। देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, आपको इंपॉर्टेंट चीज आपको जो ध्यान रखनी है कि 109 देश हैं, इन 109 देशों में से 108 देशों को शामिल किया गया, जिसमें देखा गया है कि घर का मुखिया का लिंग क्या है, यानी कि स्त्री को मुखिया बनाया गया घर का, या फिर पुरुष को बनाया गया, यानी कि लिंग का आधार 108 देश, कितना? 108 देश में। और अकेले अकेले जाति, देखिए जाति व्यवस्था आपको भारत में ही देखने को मिलेगी, अन्य देशों में जाति व्यवस्था नहीं होती है, तो भारत में जाति व्यवस्था होती है। तो भारत के लिए स्पेशली यहाँ पर विशेष तौर पर जाति के आधार पर केवल भारत के लिए आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर ग्लोबल एमपीआई इंडेक्स यानी कि सूचकांक जारी किया गया है। इसके अलावा निर्जातीयता नस्ल के आधार पर, ओके, तो नस्ल के आधार पर 40 देशों के बीच में तुलना की गई है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण बात है। ओके, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए आपको इंडेक्स के अंदर जो चीज ध्यान रखनी होती है वो ध्यान रखनी होती है कि शीर्ष पर कौन कौन से देश हैं। तो देखिए आपको देखने को मिलेगा कि सबसे ज्यादा भारत, भैया भारत में सबसे ज्यादा गरीबी देखने को मिलेगी। अभी ऊपर दिया रखा था लगभग में 27% से अधिक, 27.9% के करीब में आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 27.9% आबादी है वो क्या है? गरीब आपको देखने को मिलेगी। तो इसके आधार पर 38 करोड़ लोग हैं वो भारत में, यानी कि भारत है प्रथम स्थान पर, ये आपको 38 करोड़। और इसकी संख्या ध्यान नहीं रखनी है, आपको क्या ध्यान रखना है, जो महत्वपूर्ण बात है, महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट नंबर पे इसमें भारत है, दूसरे नंबर पे नाइजीरिया है, और तीसरे नंबर पर जो थर्ड नंबर पर है वो पाकिस्तान है, फिर चौथे नंबर पर इथोपिया है, और पांचवें नंबर पर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है।
ओके देखिए, जो कांगो के बारे में हम यहाँ पर आपको बताए थे जब आपको मैपिंग पढ़ा रहे थे, वहां पर भी ज्योग्राफी में भी पढ़ा रहे थे, आप लोगों को याद है तो कमेंट करके एक बार बताइए, ये अफ्रीका का देश है, ये क्यों न्यूज में आया था। ओके, और देखिए यहाँ पर देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ये 2015-16, तो 2015-16 की जो गणना थी उसी को इसमें आधार बनाया गया है। कौन सा? राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 15-16 के आधार पर जो डेटा कलेक्ट किया गया था उसी के आधार पर इस इंडेक्स में जो डेटा है वो लिया गया है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। लेकिन देखिए जो नीति आयोग है, नीति आयोग द्वारा बहुयामी निर्धनता सूचकांक है वो बनाया गया, तो देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए क्या इंपॉर्टेंट बात है, चलिए आपको बता देते हैं। तो देखिए नीति आयोग है, उसने कहा कि स्वास्थ्य और जीवन स्तर के साथ में हम दो अतिरिक्त संकेतों को भी जोड़ेंगे। कौन से दो अतिरिक्त संकेतों को जोड़ेंगे? तो उसमें कहा कि जो प्रसव पूर्व देखभाल है उसको भी शामिल किया जाएगा और बैंक खाता है उसको भी शामिल किया जाएगा। ओके, वित्तीय समावेशन को भी यहाँ पर शामिल किया गया, और प्रसव पूर्व का मतलब है जो जब महिलाएं गर्भवती हो जाती हैं तो डिलीवरी से पहले यानी कि बच्चे के जन्म से पूर्व यहाँ पर जो देखभाल होती है, स्वास्थ्य सुविधाएं उनको दी जाती है, फैसिलिटी दी जाती है, उसको भी एक इंडिकेटर के रूप में दिया गया। यानी कि भारत ने अपने इधर से दो अन्य यहाँ पर इंडिकेटर हैं उनको ऐड कर दिया है, जो कि काफी महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी है। और दूसरी क्या ध्यान रखनी है, इस इंडिकेटर में राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण है उस 2015-16 में जो हुआ था उसी के डेटा के आधार पर इस सूचकांक को जारी किया गया है। तो देखिए आपको ग्लोबल लेवल पर जो MPI है वो जारी किया जाता है, तो देखिए इसमें ये 10 सूचकांक आपको देखने को मिलेंगे, जैसे पोषण, तो पोषण हो गया, तो देखिए स्टार्टिंग में इनका वेटेज आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, जैसे कि पोषण, बच्चों की मौत जिसको चाइल्ड मोर्टेलिटी बोलते हैं, इसके अलावा विद्यालय में पढ़ाई की अवधि और विद्यालय में जो हाजिरी है उसको, तो देखिए इनको वेटेज ज्यादा दिया गया और नीचे इनको वेटेज थोड़ा सा कम दिया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं जैसे जीवन स्तर, तो जीवन स्तर में रसोई रसोई में कौन से ईंधन का उपयोग किया जाता है, जैसे LPG, जलावन, लकड़ी, कोयला, किसका उपयोग किया जाता है, इसके अलावा शौचालय, पेयजल, बिजली, आवास, संपत्ति, इन सभी को शामिल किया गया। लेकिन भारत ने क्या किया है, भारत ने अपने MPI में किस किस को अन्य को शामिल कर दिया है, तो इसमें एक तो आपको देखने को मिलेगा स्वास्थ्य के अंदर एक चीज ऐड कर दी है, प्रसव पूर्व देखभाल एक नया इंडिकेटर जोड़ दिया है, इसी के साथ में जीवन स्तर में सुधार में बैंक खाता है एक नया इंडिकेटर जोड़ दिया है, और सेम चीज आपको देखने को मिलेगी। और क्या देखने को मिलेगी, सब सेम चीज आपको देखने को मिलेगी। जैसे देखिए इसमें पोषण, पोषण के स्तर पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर उस परिवार का कोई भी 0 से लेकर के 59 मंथ्स का कोई भी बच्चा है, या फिर 15 से 49 वर्ष के बीच की कोई महिला है, या 15 से 54 वर्ष के बीच का कोई पुरुष है, उसकी पोषण संबंधी जानकारी है उसको उपलब्ध है और वो अल्प पोषित पाया जाता है तो उसे इस कैटेगरी में रखा जाएगा। इसी तरह से आप लोग देख सकते हैं बाल एवं किशोर मृत्यु है, बाल एवं किशोर मृत्यु का मतलब क्या है कि 18 साल से कम के जो वयस्क हैं अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसके अंतर्गत उसको रखा जाता है। प्रसव पूर्व देखभाल है, तो जैसे कि महिलाओं की डिलीवरी से पहले आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर, तो ये सारी चीजें हैं ये आपको देखने को मिलेंगी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो राष्ट्रीय स्तर पर जो MPI के प्रमुख निष्कर्ष हैं उनको हम देख लेते हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर के साथ में MPI है, इसकी गणना राज्य के स्तर पर और केंद्र शासित प्रदेश के स्तर पर भी यहाँ पर की गई है। तो आप लोग देख सकते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर MPI की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि 0.0155 आपको यहाँ पर जो मान है वो दिया गया है। ओके, लेकिन देखिए इसमें जो ग्रामीण स्तर पर है वो 0.118% और शहरी स्तर पर आपको देखने को मिलेगा 0.04%। तो यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी क्या है ज्यादा देखने को मिलेगी इस इंडेक्स के अनुसार, लेकिन आप शहरी स्तर में देखेंगे तो वहां पर अपेक्षाकृत कम गरीबी देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि अधिक मान अधिक गरीबी, कम मान कम गरीबी। ओके, तो मान किसका ज्यादा है, ग्रामीण क्षेत्र का ज्यादा है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में अपेक्षाकृत ज्यादा गरीबी निर्धनता आपको देखने को मिलेगी। ओके, इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा निर्धनता वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं,
तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बिहार, बिहार फर्स्ट नंबर पर है, सबसे ज्यादा गरीब आबादी, बहुयामी गरीबी जहां पर पाई जाती है। बहुयामी गरीबी किसे कहते हैं? बहुयामी गरीबी है केवल आर्थिक आधार नहीं बल्कि अन्य स्तर पर भी जो गरीबी होती है उसको बोलते हैं बहुयामी गरीबी बोलते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे कौन है? बिहार, यानी कि 51% से अधिक जनसंख्या वहां की क्या है, एमपीआई के इस इंडेक्स के अंतर्गत आती है। ओके, इसके बाद आपको झारखंड देखने को मिलेगा दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर आपको उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगा। ओके, और सबसे कम निर्धनता वाले में कौन है? केरल आपको देखने को मिलेगा, जहां की सिर्फ और सिर्फ 0.71 मतलब 1% से कम आबादी वहां पर क्या है, बहुयामी गरीबी के अंतर्गत आती है। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा फिर उसके बाद में पांडुचेरी और लक्षद्वीप का स्थान उसके बाद में आता है, यानी कि केरल फर्स्ट नंबर पर, फिर पांडुचेरी सेकंड नंबर पर, और लक्षद्वीप है वो आपको थर्ड नंबर पर आपको देखने को मिलेगा। ओके, इसके अलावा देखिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और इसमें हम देखते हैं कि भारत में गरीबी को परिभाषित करने के लिए कौन कौन से प्रयास किए जा चुके हैं उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो नंबर एक आपको देखने को मिलेगा कि दादा भाई नौरोजी ने 1901 में एक पुस्तक है उसको जारी किया था जिसका नाम था पॉवर्टी एंड द ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ओके, तो ये बुक है, इस बुक को उन्होंने रिलीज किया था, तो इसको आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि इसके बाद 1938 में नेशनल प्लानिंग कमेटी है इसका गठन किया गया, तो देखिए दूसरी बार यहाँ पर प्रयास किया गया। तीसरी बार यहाँ पर देखिए जो मुंबई प्लान है इसके बारे में हम आपको पढ़ाए भी थे, 1944 में मुंबई प्लान है। इसके बाद में स्वतंत्रता के बाद भी बहुत सारे प्रयास किए गए हैं गरीबी को परिभाषित करने के लिए। इस क्रम में 1962 में प्लानिंग कमीशन वर्किंग ग्रुप है उसका गठन किया गया। इसके अलावा 1971 में डांडेकर और रथ आपको देखने को मिलेगा, 1979 में अलंग समिति देखने को मिलेगी, 1993 में लकड़वारा समिति देखने को मिलेगी, और 2009 में तेंदुलकर समिति, और 2014 में रंगराजन समिति है। ये इंपॉर्टेंट है, तो इनको आपको ध्यान रखना है, हो सकता है आपसे इनका क्रम पूछ ले। ओके, तो क्रम आप लोगों को ध्यान रखना है, ये डेट भले ही आप लोग भूल जाए कोई बात नहीं है, थोड़ा सा आप लोग रफली वे में इनको पढ़ते हुए चलिए, लेकिन इनका क्रम ध्यान रख लीजिए, तो हो सकता है पूछ ले, या फिर ऐसा पूछ ले निम्न में से कौन कौन सी समितियां गरीबी को परिभाषित करने के लिए गठित की गई थी, तो ऐसे भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो इनके नाम ध्यान रख लेने, एक बार इनका क्रम ध्यान रख लेना है, बल्कि इनकी जो सनी है उन पर इतना ज्यादा फोकस नहीं करना है, बस मोटा मोटा याद कर लेना है। अच्छा, 1970 के दशक में इसका भी गठन किया गया था, 1960 के दशक में इसका गठन किया गया था, 1990 के दशक में लगभग में इसका गठन किया गया था। इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं, लेकिन एकदम एक्जेक्ट डेटा है उसके ऊपर नहीं जाना है, परेशान इतना ज्यादा नहीं होना है। ओके, इसके अलावा चलिए हम लोग आते हैं वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन का मतलब क्या है कि जो जो वित्तीय संस्थान है उनसे सभी व्यक्तियों को जोड़ना ही क्या है वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन के लक्ष्य के अंतर्गत भारत के सभी नागरिकों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ना इसका लक्ष्य आपको देखने को मिलेगा। देखिए वित्तीय समावेशन है, इसमें पहुंच, कॉमा उपयोग और गुणवत्ता है इसको शामिल किया जाता है, और इन्हीं के आधार पर देखा जाता है कि किसी देश में या किसी राज्य में वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को कहाँ तक प्राप्त कर लिया गया है, और इसी के आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाता है। आखिर वित्तीय समावेशन है वो न्यूज में क्यों है? तो आपको देखने को मिलेगा कि आरबीआई जो हमारे देश के केंद्रीय बैंक है उसने एक इंडेक्स जारी किया है, यानी कि एक सूचकांक जारी किया है, वित्तीय समावेशन सूचकांक जारी किया है। ओके, तो इसके बारे में चलिए वित्तीय समावेशन सूचकांक के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं एक ही एक क्या है। तो देखिए आपको देखने को मिलेगा जो वित्तीय समावेशन सूचकांक है इसके बारे में नंबर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि देश भर में वित्तीय समावेशन के परिणाम का पता लगाने के लिए एक व्यापक सूचकांक देखने को मिलेगा कि देश में वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को कहाँ तक प्राप्त कर लिया गया है। ओके, तो उसको एक तरह से जांचने के लिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक सूचकांक है वो जारी किया गया है। यह है वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति 2019 से 24 के लिए अनुशंसा है, वो अनुशंसा के अनुरूप आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए 2019 से 24 के लिए एक काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आप लोगों के लिए ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा डेटा कलेक्शन है वो कहाँ से किया जाएगा? देखिए डेटा कलेक्शन है वो कहाँ से किया जाएगा, डेटा कहाँ कहाँ से लिया जाएगा? जब सूचकांक जारी किया जाता है तो कहीं से तो डेटा लिया जाएगा ना, तो डेटा कहाँ कहाँ से लिया जाएगा? तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बैंकिंग व्यवस्था है उससे, तो निवेश,
बीमा, डाक के साथ साथ पेंशन क्षेत्र के जो विवरणों को इसमें शामिल किया जाएगा। तो डेटा का कलेक्शन यहाँ यहाँ से किया जाएगा, और डेटा कलेक्शन है वो कौन करेगा, तो यह है सरकार और नियामकों के परामर्श के आधार पर यहाँ पर किया जाएगा। देखिए इसमें कितने यहाँ पर स्केल देखने को मिलेगा, जैसे कि अभी हम बात किए थे उसमें 0 से 1 के बीच में, और इसमें देखिए यहाँ पर जो मान है वो 0 से 100 के बीच में दिया जाता है। 0 का मतलब है कि वित्तीय समावेशन का पूर्ण बहिष्कार कर दिया गया है, और 100% मतलब 100 अंक का मतलब है कि यहाँ पर 100% वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया, यानी कि पूर्ण वित्तीय समावेशन से तात्पर्य। तो इसमें कितने से कितने 0 से लेकर के 100 के बीच में यहाँ पर अंक दिए जाते हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर मोटे तौर पर 3 मापदंड देखने को मिलेंगे, जो हम यहाँ पर अभी आपको बता चुके हैं, जैसे कि पहुंच, दूसरा उपयोग और तीसरा गुणवत्ता। इसमें सबसे ज्यादा वेटेज किसको दिया गया है, उपयोग को दिया गया है, यानी कि लोगों की वित्तीय संस्थान है वहां तक पहुंच सुनिश्चित है या नहीं है, उसका उपयोग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, इसके अलावा उसकी गुणवत्ता कैसी है इनमें। तो सबसे ज्यादा वेटेज किसको दिया गया है, उपयोग को दिया गया है, फिर उसके बाद में पहुंच को दिया गया है, और थर्ड नंबर पर गुणवत्ता है वो आती है। और इसमें आप लोग देख सकते हैं 97 इंडिकेटर्स का उपयोग किया गया। कितने 97 इंडिकेटर्स का उपयोग किया गया, 97 के 7 आपको इंडिकेटर डट के नहीं बैठने हैं। ओके, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो वित्तीय समावेशन है इसके सूचकांक का कोई बेस ईयर नहीं है, ये ध्यान रखना है। वित्तीय समावेशन का जो इंडेक्स है, जो जारी किया जाता है, आरबीआई ने जो जारी किया है, इसका कोई आधार वर्ष नहीं होता है। ओके, तो ये चीज बेस ईयर नहीं होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि वित्तीय समावेशन के दिशा में कौन कौन सी अन्य पहले की गई है। तो आरबीआई द्वारा देखिए राष्ट्रीय कार्यनीति है, राष्ट्रीय कार्यनीति जो आपको देखने को मिलेगा 2019 से 24 बनाई गई है, इसका देखिए लक्ष्य है कि वित्तीय समावेशन की जो प्रक्रिया है उसका विस्तार कैसे किया जाए, और दूसरा इस वित्तीय समावेशन को कैसे इस प्रक्रिया को बनाए रखा जाए। दो चीजें, एक विस्तार की बात और दूसरी यहाँ पर इसको कैसे बना बनाए रखा जाए, ओके, सस्टेन कैसे किया जाए, उसकी बात यहाँ पर की जाती है। और वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में शिक्षा की बात की जाती है, तो देखिए शिक्षा के लिए, वित्तीय क्षेत्र में शिक्षा के लिए भी राष्ट्रीय नीति बनाई गई है, ये देखिए आपको देखने को मिलेगा 2020 से 25। देखिए यहाँ पर पहले वाले में 2019 से 24 देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर 2020 से 25 आपको देखने को मिलेगा, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए जो वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय नीति है, इसका लक्ष्य है कि यहाँ पर लोगों के लिए ज्ञान कौशल और दृष्टिकोण और व्यवहार का विकास करना। इसका तात्पर्य क्या हुआ, उनको इससे संबंधित जो बैंकिंग व्यवस्था है उससे संबंधित ज्ञान है, नॉलेज है उसको देना, कौशल स्किल है उसको डेवलप करना, इसके अलावा उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन करना और व्यवहार में परिवर्तन करना आपको देखने को मिलेगा। सरकार के द्वारा भी बहुत सारे कदम उठाए गए हैं वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जैसे कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जो कि आपको देखने को मिलेगा कि 18 से 50 वर्ष के जो खाता धारक हैं ओके उनके लिए यहाँ पर ये सुविधा प्रदान की जाएगी। देखिए यहाँ पर जीवन ज्योति बीमा योजना है, 18 से 50 आयु वर्ग के जो खाता धारक हैं उनके लिए है, वहीं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है वो बैंक खाता धारक 18 से 70 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों के लिए, अटल पेंशन योजना है वो 18 से 40 आयु वर्ग के जो बचत बचत बैंक और डाक बचत खाते धारक होते हैं उनके लिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखिए सबसे बड़ा वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में सबसे बड़ा निर्णय यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा वर्तमान में, प्रधानमंत्री जनधन योजना, इसके तहत व्यापक स्तर पर लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा गया। ओके, और देखिए प्रधानमंत्री जनधन योजना के 6 स्तंभ देखने को मिलेंगे। इसमें एक आपको देखने को मिलेगा कि जो वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम है उसको प्रारंभ किया गया, सूक्ष्म बीमा है वो प्रदान किया गया, प्रत्येक परिवार के लिए 10,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट सुविधा है वो सुविधा प्रदान की गई, इसके अलावा असंगठित क्षेत्र के लिए पेंशन योजना है वो आपको देखने को मिलेगा, और बैंक सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच, यानी कि कैसे वो उसको एक्सेस कर पाते हैं, इसके अलावा ऋण गारंटी फंड का सृजन। तो ये 6 स्तंभ आपको देखने को मिलेंगे। इसके तहत देखिए प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत लोगों के लिए बेसिक अकाउंट है वो 0 दर पर प्रदान किए गए थे, और इसमें जो नियम कानून थे उनको थोड़ा सा सरल बनाया गया था। पहले एक खाता खुलाने के लिए बहुत सारा
समय लगता था, बहुत सारा कागजी कार्यवाही करनी पड़ती थी, तो उनको थोड़ा सा सरल बनाया गया कि आप सिर्फ नरेगा कार्ड या फिर आपके पास आधार कार्ड है, कोई भी है छोटा सा आपके पास में डॉक्यूमेंट, तो उसके आधार पर एक आप जाकर के बैंक खाता खुला सकते हैं। इसका लाभ भी बहुत बड़ा आपको देखने को मिलेगा। अगर देखिए हम लाभ की बात करें तो दो वर्ष 2021 तक हम आपको बताए थे, बढ़ाए थे वहां पर लगभग में 43 करोड़ से अधिक खाता यहाँ पर खोले जा चुके हैं। ओके, इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा 2/3। और देखिए इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको देखने को मिलेगी कि इसमें अधिकांश इसमें महिलाएं आपको इसमें पार्टिसिपेट करती हुई देखने को मिलेंगी, मतलब ज्यादातर जो खाता धारक हैं वो आधे से अधिक कौन है, महिलाएं हैं। यानी कि यहाँ पर जो फीमेल्स हैं वो आपको आधे से अधिक खाता धारक आपको देखने को मिलेंगे, मतलब महिलाओं के लिए इससे काफी लाभ हुआ है, महिलाएं भी वित्तीय समावेशन के लक्ष्य से कहीं ना कहीं जुड़ी हैं। ओके, कहीं ना कहीं जुड़ी हैं। अब थोड़ा अकाउंट होगा तो कभी 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 ना कभी तो जाकर के उसका उपयोग करना प्रारंभ करेंगी ही करेंगी। और आप लोग देख सकते हैं कि 2/3 खाते हैं वो ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में ही आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा 5 करोड़ जो प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खाता खोले गए थे वो अलग अलग योजनाओं के तहत यहाँ पर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्राप्त कर चुके हैं और कर रहे हैं आपको देखने को मिलेगा, मतलब यहाँ पर डायरेक्ट है वो लाभ का वितरण किया जाता है, तो जिससे क्या है लिक्विडिटी है, भ्रष्टाचार है उसको कम किया जाता है। खाते के तहत यहाँ पर जमा है वो आपको देखने को मिलेगा 2015 से 21 के बीच में, यहाँ पर जो जमा करने की प्रवृत्ति है उसमें 6.38 गुना वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए खाता है तो हल्के हल्के जमा करने की प्रवृत्ति तो हल्के हल्के बढ़ेगी लोगों के पास में, यार थोड़ा पैसा है चलो डाल आते हैं। ओके, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखिए सरकार के द्वारा यहाँ पर आपको जनधन दर्शक ऐप का प्रारंभ किया गया, जनधन दर्शक ऐप है, इसके माध्यम से बहुत सारी जानकारी है वो खाता धारकों को दी जाती है, जैसे कि पास में कौन कौन सी शाखाएं हैं, कहाँ पर हैं, उनकी लोकेशन क्या है, एटीएम कहाँ पर है, यहाँ पर जो बैंकिंग टच पॉइंट है वो कहाँ कहाँ पर है, तो इनकी सभी की जानकारी है इस प्लेटफॉर्म पर मिल जाती है, जिससे जाकर के आप आसानी से बैंकिंग सुविधा का आनंद ले सकते हैं। ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगी। ओके, इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि 5 किलोमीटर के भीतर बैंकिंग टच पॉइंट की सेवा प्राप्त नहीं करने वाले गांव की पहचान करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाएगा, कि जहां जहां पर अब देखिए ये ऐप है इसके माध्यम से पता चलेगा कि कहां कहां पर अभी बैंकिंग सुविधा नहीं पहुंची है छोटे स्तर पर भी, तो वहां पर क्या करने हैं आपको टच पॉइंट बना देने हैं। ओके, तो ये चीज है, इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखिए कुछ शब्दावलियां हैं, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा ऋण जीडीपी अनुपात। देखिए ऋण जीडीपी अनुपात क्या है, इसमें सकल घरेलू अनुपात के अनुपात में देखा जाता है, तुलना की जाती है उससे कि कितना ऋण है, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर, और ये भी दर्शाता है कि देखिए कि कोई देश है वो ऋण को चुकाने में सक्षम है या नहीं है। लेकिन वही आपको देखने को मिलेगा एफआरबीएम एक्ट है, इसमें बोला गया है कि ये वर्ष आपको ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट है, 2024-25 तक घटाकर जीडीपी का 40% तक लाना है, केंद्र सरकार का जो रेट है जीडीपी की तुलना में कितना होना चाहिए 40%, कब तक 2024-25 तक घटा करके लाना है। और वहीं राज्यों के लिए ये अनुपात है वो 20% आपको देखने को मिलेगा, यानी कि 20%, तो काफी इंपॉर्टेंट चीज आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा राजकोषीय घाटा की बात कर लेते हैं, तो राजकोषीय घाटा है वो आपको हम पहले ही पढ़ा चुके हैं, सरकार की कुल आय होती है और कुल व्यय होता है, तो व्यय जब अधिक हो जाता है और आय कम होती है तब हम उसी को राजकोषीय घाटा बोलते हैं। लेकिन सामान्यतः आप लोग जानते हैं जो ऋण लेते हैं वो भी पूंजी प्राप्ति के अंतर्गत शामिल किया जाता है, तो हम कुल आय आय वाले हिस्से में से हम जो सरकार के द्वारा ऋण लिया जाता है उस हिस्से को घटा देते हैं, तो राजकोषीय घाटा हमारा निकल आता है। ओके, जो कि हम बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली चीज नहीं देखने को मिलेगी। इसके अलावा देखिए रणनीतिक और गैर रणनीतिक जो क्षेत्र हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, इनका विभाजन क्यों किया है, तो देखिए इनका विभाजन इसलिए किया गया है क्योंकि जो गैर रणनीतिक क्षेत्र हैं उनका यहाँ पर या तो निजीकरण किया जाएगा, मतलब उनमें विनिवेश किया जाएगा। विनिवेश का मतलब क्या है, तो देखिए या तो उनका निजीकरण किया जाएगा या फिर उनका विलय किया जाएगा या फिर उन्हें बंद किया जाएगा या फिर उनमें शाहीकरण किया जाएगा। ओके, किन क्षेत्रों में सिर्फ और सिर्फ गैर रणनीतिक क्षेत्र हैं उन्हीं में ये चीज संभव है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको
ध्यान रखना है, गैर रणनीतिक क्षेत्र। तो गैर रणनीतिक क्षेत्र के हैं तो ये कौन डिसाइड करता है? तो वित्त मंत्रालय द्वारा समय समय पर दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं कि कौन से उद्यम है वो गैर रणनीतिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ओके, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ITAT ई दरबार। देखिए ई दरबार क्या है, ई दरबार आपको देखने को मिलेगा एक ई पोर्टल, एक ई फाइलिंग पोर्टल आपको देखने को मिलेगा जिसके माध्यम से ये किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है, तो विधि और न्याय मंत्रालय के माध्यम के द्वारा ये जारी किया गया है। तो ये पोर्टल, इसके माध्यम से जाकर के आप अपनी जो अपील है वो दायर कर सकते हैं और आपको वहां से डायरेक्ट आपको न्याय मिल जाएगा। तो इससे देखिए कागजी कार्यवाही वो भी कम होगी, लोगों की पहुंच बढ़ेगी, जवाबदेहिता बढ़ेगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। तो जाहिर सी बात है जो कि आप सभी लोग भी जानते होंगे, कोई रॉकेट साइंस वाली चीज नहीं है। बस ध्यान रखना है किस लिए, किस उद्देश्य से जारी किया गया, किसने जारी किया है, क्या है, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है ई दरबार के बारे में। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं प्रभावी प्रबंधन का स्थान, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आपको देखने को मिलेगा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल जो व्यक्ति होते हैं उनके द्वारा व्यावसायिक व पारिवारिक वर्धित पलायन के साथ जो इसका उल्लंघन है, जोखिम है, वो बढ़ जाता है, तो उसी को कम करने के उद्देश्य से इसको आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 6 के अंतर्गत ये सारे प्रावधान है वो आपको देखने को मिलेंगे, कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है इतनी। पूरक अनुदान क्या होता है ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं। पूरक अनुदान से बोलते हैं सरकार की जो आय होती है उस आय को जो आवश्यक, सॉरी सरकार की आय नहीं, सरकार का जो व्यय होता है और उसे आवश्यक रूप से पूरा करना होता है, तो उसके लिए जो अनुदान दिया जाता है उसी को अनुपूरक अनुदान कहते हैं। यानी कि अतिरिक्त अनुदान होता है, आवश्यक अतिरिक्त अनुदान होता है, उसी को अनुपूरक अनुदान बोलते हैं। इसका उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 115 में किया गया है जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिए कभी कभार जब हम जैसे 115 बोले, कभी कभार क्या होता है हम बिना देखे यहाँ पर बोलते हैं, एक बार देख लेते हैं फिर हम ऐसे कैमरा की तरफ देख करके बोलते हैं हम इधर नहीं देखते। तो कभी कभार जैसे 115 उसकी जगह 125 बोल दिए, तो कोई भी परेशान नहीं होना है क्योंकि आप भी देख रहे हैं तो कभी कभार मुंह से गलत निकल जाता है, जैसे 115 की जगह 125, तो कोई भी उसमें परेशान नहीं हो। जैसे कि 2017 है तो 2027 कभी कभार निकल गया, तो कोई बात नहीं क्योंकि हम यहाँ पर एक बार देखते हैं जैसे कि ये टॉपिक क्या है, फिर उसको एक्सप्लेन बिना देखे ही करते हैं मैक्सिमम टाइम, तो कभी कभार हो जाता है। ओके, बोलते वक्त मिस्टेक हो जाती है, वैसे तो बहुत ही कम ही मिस्टेक होती है लेकिन कभी कभार हो जाती है, हर किसी से हो जाती है। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा जो गिनी गुणांक है, गिनी गुणांक है एक क्या चीज है, तो आपको ध्यान रखना है जो गिनी गुणांक है वो विश्व स्तर पर आपको देखने को मिलेगा, राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, विश्व स्तर पर, विश्व स्तर पर आय वितरण असमानता को दर्शाता है। ओके, और इसमें आपको देखने को मिलेगा कि गुणांक है वो 0 से लेकर के 1 के बीच में देखने को मिलेगा। 0 का मतलब 0%, 1 का मतलब 100% आपको देखने को मिलेगा। देखिए इधर इनकम दिखाता है और इधर आपको देखने को मिलेगा कि जो पॉवर्टी है उसको दिखाता है, तो किस तरह से कर बनता है, तो वही आपको गिनी को इफेक्ट के नाम से इसको जानते, देखिए कर्व आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। देखिए लॉरेंज बर्ग बर्ग इस असमानता का चित्र में प्रतिनिधित्व करता है, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं के आकार की रिकवरी के बारे में। देखिए किया के आकार की रिकवरी, रिकवरी का मतलब क्या है, जब अर्थव्यवस्था है वो चलती है लेकिन उसमें कभी कभार इस तरह से गिरावट आती है, जैसे कोरोना का काल आ गया तो आप लोगों ने देखा कि सारी आर्थिक क्रियाएं हैं वो लगभग में बंद हो चुकी थी। ओके, या फिर अन्य किसी कारण से जैसे कि युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाए, वित्तीय संकट उत्पन्न हो जाए, तो आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं, बंद होने लगती हैं, तो आपको देखने को मिलेगा अर्थव्यवस्था नीचे जाने लगती है। तो देखिए इसमें के आकार की रिकवरी किसे कहते हैं, तो उससे पहले आप लोग देखिए जैसे बी आकार की रिकवरी किसे कहते हैं, तो देखिए बी आकार की रिकवरी उसे कहते हैं जब तेजी तेजी से इकोनॉमिक ग्रोथ है, यानी कि जो आर्थिक क्रियाएं उनमें गिरावट आती है और पुनः उनमें अचानक से वृद्धि हो जाती है, तो उसे बी आकार की रिकवरी कहते हैं। और इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा कि जो यू आकार की रिकवरी, देखिए यू आकार की रिकवरी है इसमें बी आकार की तुलना में रिकवरी होती है वो धीरे धीरे होती है, तो सेप क्या समझ जाता है, यू जैसा। देखिए इसमें रिकवरी क्या होती है, बहुत तेजी से होती है रिकवरी, लेकिन इसमें रिकवरी है कि दर होती है थोड़ी सी मंद होती है, अपेक्षा करें थोड़ी सी इससे मंद होती है। और आपको देखने को मिलेगा स्क्यूज आपको देखने को मिलेगा, इसमें क्या होता है कि बी आकार और यू आकार की तुलना में आपको देखने को मिलेगा रिकवरी रेट जो बी आकार से इसमें कम होती है लेकिन यू आकार से इसमें रिकवरी रेट है वो ज्यादा होती है, तो आपको कुछ इस तरह से आपको देखने को
मिलेगा। ओके, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा कि इस क्यूब की आकृति बन जाती है। इसी तरह से जेड आपको देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है, देखिए जब मंदी आती है, देखिए जैसे ये है, तो इसमें देखिए क्या होता है, एक समय ऐसे मंदी आती है और मंदी के बाद फिर दोबारा से तीव्रता के साथ में वृद्धि होती है और पहले से भी ज्यादा यहाँ पर रिकवरी हो जाती है, लेकिन फिर तेजी से गिरावट आकर के वो अपनी स्थिति को प्राप्त कर लेती है पहली वाली, तो आपको जेड आकार की आकृति बनती है। इसी तरह से डब्लू आकार की, तो देखिए डब्लू आकार की रिकवरी रेट उसे बोलते हैं। तो देखिए जैसे कि मानते हैं डॉट 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 लाइन है, तो पहले यहाँ पर इस तरह से अर्थव्यवस्था चल रही थी, लेकिन आर्थिक क्रियाओं में अचानक से यहाँ पर गिरावट आती है, फिर थोड़ी सी रिकवरी होती है, लेकिन वो अपने उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाती है, उस दर को, उस पॉइंट को नहीं छू पाती है जिस जिस दर से पहले रिकवरी होने लगती है। उससे पहले दोबारा से यहाँ पर मंदी की स्थिति आ जाती है, अर्थव्यवस्था फिर से नीचे चली जाती है, और फिर पुनः बाद में अर्थव्यवस्था है वो ऊपर उठती है, और फिर ये किस आकार का बन जाती है, डब्ल्यू आकार की रिकवरी बन जाती है। इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा एल आकार की रिकवरी। देखिए एल आकार की रिकवरी क्या होता है, देखिए आर्थिक मंदी के बाद में जैसे आर्थिक क्रियाएं बंद हो जाती हैं, उसके बाद में रिकवरी की रेट है वो आपको देखने को मिलेगा लगभग में स्थिर हो जाती है, बहुत धीमी गति से बढ़ती है। तो देखिए इस तरह से एल आकृति यहाँ पर बन जाती है। ओके, यानी कि पूर्णता रिकवरी कभी नहीं हो पाती है, तो उसे बोलते हैं। देखिए के आकार की रिकवरी किसे बोलते हैं, के आकार की रिकवरी हम ये तब देखने को मिलेगी जब अर्थव्यवस्था है वो रिकवरी करती है, लेकिन अर्थव्यवस्था का एक क्षेत्र रिकवरी कर जाता है और दूसरा क्षेत्र है उसमें निरंतर गिरावट आने लगती है। जैसे कि मानते हैं कि ये क्या थी, इस तरह से पहले रिकवरी रेट यहाँ पर चल रहा था, लेकिन क्या हुआ, एक क्षेत्र था उसमें उसमें क्या हुआ, पहले देखिए सब में मानते हैं इस तरह से गिरावट है। ओके, गिरावट आने के बाद में क्या हुआ, एक क्षेत्र जैसे कि मानते हैं सर्विस सेक्टर है वो बूम अप करने लगा, लेकिन मानते हैं विनिर्माण क्षेत्र है वो बूम अप नहीं कर रहा। तो देखिए किस आकार का बन गया, ये बन गया यहाँ पर के आकार की आकृति रिकवरी कहलाता है। क्यों, जब जब कोई एक क्षेत्रक है वो तो वृद्धि दर्ज करने लगता है, लेकिन दूसरा क्षेत्रक है वो वृद्धि दर्ज नहीं करता है, वो या तो स्थिर रहता है या हल्की दर से उसमें गिरावट आती है, तो के आकार की यहाँ पर रिकवरी बनती है। तो समझ गए आप लोग सभी रिकवरी के बारे में, आपको एकदम आसान भाषा में समझा दिया गया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, बैंकिंग और मौद्रिक नीतियों की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक बार ये देख लें कहीं हमारा यहाँ पर ये तो नहीं रुक गया, एक सेकेंड। एक सेकेंड रुकेगा, एक बार देख लें, यहाँ पर कभी कभार हमारा ये रुक जाता है। ओके, तो चलिए अभी कुछ नहीं रुका है, एकदम बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। ओके, तो देखिए ये आपको देखने को मिलेगा बैंकिंग और मौद्रिक नीतियों के बारे में अगर हम बात करें, तो यहाँ पर सबसे पहले बैंकिंग, तो बैंकिंग में देखिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण, तो वित्त सचिव ने ऐसा बोला है। वित्त सचिव ने क्या कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की जो बैंकें हैं उनका अंततः निजीकरण किया जाएगा। ओके, निजीकरण का मतलब है प्राइवेटाइजेशन किया किया जाएगा। ओके, तो देखिए और साथ में जो सरकार है मतलब गवर्नमेंट है इसकी उपस्थिति है वो न्यूनतम रखी जाएगी यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर ये बहुत सारी चीजें हैं, इंपॉर्टेंट चीजें, इनकी बात हम करेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए एक डोमेस्टिक सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक आपको देखने को मिलेंगी। तो देखिए ये हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं जब आपको मैराथन क्लास पढ़ा रहे थे। तो देखिए आपको देखने को मिलेगा कि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जो बैंकें होती हैं अर्थव्यवस्था के लिए, आरबीआई उनको इसके अंतर्गत रखती है। तो देखिए यहाँ पर उन बैंकों की जो कुल जीडीपी की तुलना में आपको 2% से अधिक भागीदारी आपको देखने को मिलेगी। ओके, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि एसबीआई बैंक, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक आपको देखने को मिलेंगी। ओके, इस बैंक की श्रेणी में रखी जाती हैं। इस संरचना के अनुसार 2015 से आरबीआई को यहाँ पर जो डोमेस्टिक सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक हैं जिसको डीएसआईबी के रूप में नामित किया जाता है, इनका नाम का खुलासा करना पड़ता है आरबीआई के लिए। ओके, तो समय समय पर आरबीआई है वो बताती है कौन कौन सी बैंक हैं वो महत्वपूर्ण घरेलू बैंक के अंतर्गत आती हैं। ओके, इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि जो सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों के निजीकरण के लाभ कौन कौन से होते हैं। तो अगर हम लाभ की प्रॉफिट की बात करें तो देखिए मानव संसाधन है उनका बेहतर प्रबंधन हो पाता है। इसके अलावा देखिए जो बैंकिंग क्षेत्र है उसमें प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। इसके अलावा उनको अधिक से अधिक स्वायत्तता है, स्वतंत्रता है बैंकों के लिए मिलती है। इसके अलावा नवाचार और विशेषज्ञता है इसको बढ़ावा मिलता है।
इसके अलावा बेहतर परिसंपत्ति की गुणवत्ता और जो ऋण की कवरेज दक्षता है उसमें भी कहीं ना कहीं वृद्धि होती है, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी, यानी कि क्वालिटी है वो इंप्रूव होती है। लेकिन देखिए कुछ अगर हम पब्लिक सेक्टर की बैंकों का अगर हम निजीकरण करते हैं तो इससे कुछ समस्याएं, कुछ चिंताएं भी सामने नजर आती हैं। जैसे कि देखिए जो कमजोर वर्ग है तो कमजोर वर्ग के लिए वित्तीय सेवाओं को प्रदान करने में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं, हो सकता है उसको बाधित किया जाए। इसके अलावा रोजगार के अवसर घटेंगे, क्योंकि देखिए जब प्राइवेट कर दी जाएंगी बैंकें तो उनमें जो कर्मचारी होंगे उनकी नियुक्ति है वो निजी कंपनियों के द्वारा ही की जाएगी, तो वहां पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, मतलब रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा देखिए प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा तो देखिए जो हमारी जमा राशि है वो भी कहीं ना कहीं असुरक्षित होगी। जैसे आप SBI में जाकर के बैंक खाता खुलाते हैं और अपना पैसा रखते हैं तो आप अपने आप को क्या करेंगे, थोड़ा सा सिक्योर फील करेंगे, लेकिन वहीं पर आप किसी निजी बैंक पे जाकर के खाता खुलाते हैं तो थोड़ा सा आप लोग अनसिक्योर रहेंगे। हमारी जो कंपनी है मतलब जो बैंक है वो कभी भी बंद हो सकती है, दिवालिया हो सकती है, तो आपका पैसा क्या हो सकता है, डूब सकता है। तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। ओके, इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा बैंकों की विफलता के व्यापक आर्थिक प्रभाव की अगर हम बात करें तो जैसे कि आपको देखने को मिलेगा जब हमारा देश आजाद हुआ था तब से लेकर के 1970 तक लगभग में आपको देखने को मिलेगा कि मतलब 650 से अधिक जो बैंकें हैं वो विफल हो चुकी थी, बंद हो चुकी थी। तब हम आपको बताए थे कि बहुत सारी बैंकें हैं उनका फिर राष्ट्रीयकरण का निर्णय लिया गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए 1969 में इंदिरा गवर्नमेंट के द्वारा 14 बड़ी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा 6 अन्य बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण किया गया। हम आपको वहां पर बैंकिंग व्यवस्था जब आपको पढ़ा रहे थे, बैंकिंग सेक्टर पढ़ा रहे थे, तो वहां पर बहुत अच्छे से कवर कराए थे। पब्लिक सेक्टर की बैंकें वर्तमान में कितनी बची हैं ये आप लोगों को बताना है, वहां पर हम आप लोगों को बताए थे। ओके, तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में कितनी सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकें हैं, रह गई हैं वो आपको बताना है, और वर्तमान में कौन कौन सी बैंकों का विलय किया गया है, जो 10 बड़ी बैंकों का विलय करके 4 बैंकों में उनको तब्दील किया गया है वो आपको बताना है। ओके, ये भी हम आपको पढ़ाए थे वहां पर मैराथन क्लासेस के अंतर्गत पढ़ाए थे। जिन लोगों ने नहीं देखी वो तीनों वीडियो जाकर के आप लोग देख सकते हैं। आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर PSBs हैं उनको मजबूत करने के लिए हाल में उठाए गए कुछ कदम हैं वो आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आपको देखने को मिलेगा ईज ईज की शुरुआत की गई, इसकी शुरुआत वित्तीय वर्ष 2019 में की गई। ओके, ये विशिष्ट सुधार सूचकांक के रूप में आपको एक देखने को मिलेगा। ओके, इसके तहत ग्राहक केंद्रित डिजिटल परिवर्तन है उनको किया गया, यानी कि ग्राहक को केंद्र बिंदु में रखते हुए यहाँ पर बहुत सारे डिजिटली चेंज किए गए। इसके अलावा MSMEs और खुदरा ग्राहकों के लिए डिजिटल लोन के लिए, ओके, डिजिटल लोन के लिए यहाँ पर एक वेबसाइट है, एक पोर्टल है, उसका शुभारंभ किया गया, जिसको बोलते हैं PSBLoanSign59Minutes.com। ये इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा। ओके, इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा बैंक बोर्ड को मार्केट लिक्विड मुआवजे के लिए यहाँ पर बैंकों के प्रमुख जोखिम अधिकारी को नियुक्त करने का अधिकार है वो यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि सरकार का यहाँ पर 3 लाख करोड़ से अधिक रुपए आपको देखने को मिलेगा, 3.17 लाख करोड़ से अधिक रुपए हैं यहाँ पर डाले गए हैं। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं स्वयं बैंकों ने 2.49 लाख करोड़ रुपए यहाँ पर धनराशि है उसको यहाँ पर जुटाया है। ओके, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा देखिए यहाँ पर त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई, जिसको प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के नाम से जानते हैं, PCA के नाम से इसको जानते हैं, जैसे कि हम आपको बताए थे इसके माध्यम से RBI है वो बैंकों की वित्तीय स्वास्थ्य पर नजर रखती है, और अगर किसी बैंक की वित्तीय स्वास्थ्य में कमी आती है तो उसको कैटेगरी 1, 2, 3 में रखती है, 3 कैटेगरी में रखती है, और तीनों कैटेगरी में रखने पर उस पर कुछ पाबंदियां लगाई जाती हैं। कैटेगरी में फर्स्ट में होता है तो उस पर पाबंदियां कम होती हैं, जैसे ही उसके वित्तीय स्वास्थ्य में और तेजी से गिरावट आती है तो उस पर पाबंदियां थोड़ी सी बढ़ा दी जाती हैं। तीसरी कैटेगरी में आती है यानी कि उसकी वित्तीय स्थिति और ज्यादा खराब हो जाती है तो वो तीसरी कैटेगरी में आ जाती है, और अगर इन तीनों कैटेगरी के बाद अगर बैंकों की वित्तीय स्थिति में सुधार नहीं होता है तो या तो उसको बंद कर दिया जाता है या फिर उसका विलय कर दिया जाता है। ये हम आपको वहां पर पढ़ाए थे, ओके, मैराथन क्लासेस के अंतर्गत। लेकिन ये न्यूज में क्यों है तो आपको देखने को मिलेगा, RBI ने वाणिज्यिक बैंकों के लिए कुछ संशोधित
मापदंड हैं वो जारी किए हैं और ये कब से लागू होंगे, 1 जनवरी 2022 से ये लागू होंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज के बारे में। तो देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, आरबीआई ने कमजोर जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर जो नियमन को थोड़ा सा कठोर बना दिया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन शामिल होगा, तो इसमें कौन कौन शामिल होगा, ऐसी एनबीएफसी मतलब गैर वित्तीय संस्थान जो डिपॉजिट ले सकती हैं, डी का मतलब है डिपॉजिट मतलब जमा राशि प्राप्त कर सकती हैं, ओके। लेकिन यहाँ पर सरकारी कंपनियों को छोड़कर यानी कि ऐसी एनबीएफसीज हैं वो यहाँ पर नहीं आएंगी, ओके, जो सरकारी कंपनियां हैं, ओके। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा पूर्व निवेश कंपनियों सहित यहाँ पर मिडिल अपर और टॉप स्तर पर गैर जमा श्रेणी की एनबीएफसी मतलब ऐसी एनबीएफसीज जो जमा राशि प्राप्त नहीं कर सकती, ओके, वो भी इसमें शामिल की जाएंगी। लेकिन कौन कौन सी शामिल नहीं की जाएंगी वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें कौन कौन शामिल नहीं होगा, ऐसी एनबीएफसी इसमें शामिल नहीं होंगी जो सार्वजनिक निधियों को अस्वीकार करती हैं या फिर आप लोग देख सकते हैं कि वो स्वीकार नहीं करना चाहती मतलब वो सार्वजनिक निधियों को स्वीकार नहीं करती है मतलब नहीं देती हैं, ओके, या फिर नहीं करना चाहती है। इसके अलावा जितनी भी सरकारी बैंकें हैं वो इसमें शामिल नहीं की जाएंगी। प्राथमिक डीलर है उनको भी शामिल नहीं किया जाएगा। जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से उनको भी इसमें शामिल नहीं किया जाएगा, ओके। इसके अलावा आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर अगर देखना चाहते हैं पीसीए के बारे में, तो आप लोग देख सकते हैं कि एक फ्रेमवर्क आपको ये देखने को मिलेगा, ओके, जो क्या करता है आरबीआई के द्वारा यहाँ पर जो बैंक होती हैं यानी कि जो वित्तीय संस्थान होते हैं उनकी वित्तीय स्वास्थ्य पर नजर रखती है। इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो आरबीआई के द्वारा इसकी शुरुआत 2002 में की गई थी, ओके। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं कि वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद और क्षेत्र वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग की सिफारिश के आधार पर इस फ्रेमवर्क के कार्य ढांचे की समीक्षा की गई थी 2017 में, ओके। तो 2017 में जो यहाँ पर इस फ्रेमवर्क है इसकी समीक्षा यानी कि रिव्यू भी किया गया था 2017 पर। इसकी सिफारिश किसने की थी, तो वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद और साथ में आप लोग देख सकते हैं कि वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग के द्वारा इसकी सिफारिश की गई थी, ओके। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं हाल ही में क्या क्या बदलाव किए गए हैं। तो हाल ही में क्या क्या बदलाव किए गए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं जो पीसीए के मापदंड है इनमें देखिए आपको 3 चीजें देखने को मिलेंगी। कौन से 3 चीजें, नंबर 1 आपको पूंजी देखने को मिलेगी, क्या पूंजी, नंबर 2 परिसंपत्ति की गुणवत्ता, और तीसरा आप लोग देख सकते हैं जो उत्तोलन है उसको शामिल किया गया है। ये 3 मापदंड यानी कि जो पैरामीटर्स हैं इनको संतोषित कार्य ढांचे में निगरानी के प्रमुख क्षेत्र में होंगे। इनमें गंभीरता के बढ़ते क्रम में 1 से 3 तक जोखिम है वो सीमाएं आपको देखने को मिलेगी, मतलब जैसे कि अभी हम बताए थे कैटेगरी फर्स्ट, कैटेगरी सेकंड, कैटेगरी थर्ड आपको देखने को मिलेगा, ओके। और देखिए संशोधित कार्य ढांचे में संकेत के रूप में परिसंपत्ति पर प्रतिफल या जो रिटर्न ऑन एसेट है इसको हटा दिया गया है, क्या कर दिया गया है, इसको हटा दिया, यानी परिसंपत्ति पर जो प्रतिफल मिलता है यानी कि जो एक तरह से प्रॉफिट मिलता है उसको, या फिर आप जिसको रिटर्न ऑन एसेट बोलते हैं इसको हटा दिया गया। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये चीज है, ये इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को ध्यान रखना है, ओके। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि जो व्यवहार्यता मापदंड है इसके अंतर्गत भारत में संचालित तो सभी घरेलू बैंक हैं इनको शामिल किया जाएगा, साथ में ऐसी बैंक जिनकी शाखाएं या फिर जो सहायक कंपनियों के माध्यम से संचालन करने वाली विदेशी बैंक हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। यानी कि सभी के सभी भारतीय बैंकें और साथ में विदेशी बैंकें हैं जिनकी शाखाएं या फिर सहायक कंपनियां जो भारत में कार्यरत हैं उनके माध्यम से चलाई जा रही हैं उनको यहाँ पर शामिल किया जाएगा, ओके। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं कि भुगतान या पेमेंट बैंक और लघु वित्तीय बैंक जहाँ त्वरित त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की जा सकती है वो तो ऋणदाताओं की सूची से हटा दिया गया है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण बात है, ओके, जो चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर कि देखिए यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसमें प्रवेश कौन करता है, मतलब कैटेगरी फर्स्ट, कैटेगरी सेकंड, कैटेगरी थर्ड है इसमें प्रवेश कौन करता है बैंकों का, तो आरबीआई के द्वारा किया जाता है। तो देखिए 1 वर्ष की अवधि के दौरान या फिर इसके बीच में भी आरबीआई अगर उचित समझे तो
किसी बैंक को कैटेगरी फर्स्ट फर्स्ट या कैटेगरी सेकंड या कैटेगरी थर्ड में डाल सकती है, फिर उनकी कैटेगरी में भी परिवर्तन कर सकती है। ये आरबीआई के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा एग्जिट यानी कि इस से बाहर कैसे कोई कंपनी है, मतलब वित्तीय संस्थान वो बाहर कैसे आएगा, तो बाहर आने के लिए कम से कम आपको देखने को मिलेगा 4 तिमाही। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 4 तिमाही तक वित्तीय विवरण में से जो 3 पैरामीटर्स दिए गए हैं, इनमें से किसी में भी जो जोखिम सीमा का उल्लंघन ना किया गया हो तो उसे कैटेगरी फर्स्ट सेकंड यानी कि किसी से भी बाहर निकाला जा सकता है या फिर उसकी कैटेगरी में चेंज किया जा सकता है। जैसे कैटेगरी थर्ड में है तो कैटेगरी सेकंड में शिफ्ट किया जा सकता है, सेकंड में तो फर्स्ट में शिफ्ट किया जा सकता है, या फिर उसको डायरेक्ट निकाला भी जा सकता है। तो ये चीज है बहुत इंपॉर्टेंट, आपको देखने को मिलेगा। ओके तो देखिए जैसे कि आप लोगों को बताए थे कैटेगरी फर्स्ट कैटेगरी सेकंड क्या था कैटेगरी थर्ड, तो कैटेगरी फर्स्ट में जो बैंकें होती हैं उन्हें अपने लाभ का वितरण है उनको बंद करना होता है। इसी तरह से आप लोग देख सकते हैं कि अन्य चीजें हैं वो भी यहाँ पर शामिल की गई, वहां पर हम आपको पढ़ाए थे। इसके अलावा आपको जोखिम सीमा की जो सेकंड कैटेगरी होती है उसमें रखा जाता है, तो फर्स्ट की जो सारी चीजें हैं वो तो लागू होती हैं। साथ में कोई अन्य शाखा नई शाखा खोलने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है बैंकों के ऊपर। और अगर थर्ड में आ जाता है तो आप लोग देख सकते हैं कि जो अतिरिक्त पूंजी व्यय के साथ में जो अन्य व्यय हैं उन पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाता है, और उच्च वेतन अधिकारी हैं उनके वेतन में भी कटौती की बात की जाती है, और ज्यादा से ज्यादा लोन देने पर और अधिक से अधिक जमा राशि प्राप्त करने पर मनाही कर दी जाती है। तो ये सारी चीजें हम आपको बता चुके हैं। ओके इसके अलावा देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर पीसीए के अंतर्गत ऐसी बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियां या अन्य उच्च गुणवत्ता वाले जो तरल निवेश होते हैं उनमें निवेश करने की अनुमति दी जाती है, उनमें मनाही नहीं की जाती है, मतलब जिन्हें जोखिम कम से कम है उनमें बैंकों के द्वारा निवेश किया जा सकता है। ओके तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। गैर वित्तीय कंपनियां या फिर उनके विनियमन के बारे में बताएं, तो देखिए गैर वित्तीय संस्थाएं क्या होती हैं, जैसे कि आपको पढ़ा चुके हैं इनमें ज्यादा आपको माथापच्ची नहीं करना है। ऐसी वित्तीय संस्थाएं जो पूर्ण रूप से बैंक नहीं होती हैं लेकिन वित्तीय गतिविधियों से जुड़ी होती है उन्हें गैर वित्तीय संस्थाएं बोलते हैं। इनमें से 2 तरह की हम आपको बताए थे, जो जमा राशि प्राप्त कर सकती है, जो जमा राशि प्राप्त नहीं कर सकती है, इनके बारे में सब विस्तार में हम पढ़ा चुके हैं तो बार बार आपको नहीं पढ़ना है। ओके और देखिए इनका विनियमन कौन करता है, तो एनबीएफसी से इनका जो विनियमन है वो आरबीआई के द्वारा भी किया जाता है। इसके अलावा आरबीआई के अलावा भी जैसे कि आपको देखने को मिलेगा सीबी है वो भी करती है, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण है जिसको इड्रा के नाम से जानते हैं ये भी इसका विनियमन करती है। इसके अलावा राष्ट्रीय आवास बैंक है इनके द्वारा भी इन्हें विनियमित किया जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट चीज आपको देखने को मिलेगी और सारी चीजें हम आपको पढ़ा ही चुके हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर जो एनबीएफसी का जो विनियमन है उसमें स्केल में थोड़ा सा संशोधन किया गया है, उस ढांचे फ्रेमवर्क में संशोधन किया गया है, उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। इस संशोधित नियम ढांचा है 1 अक्टूबर 2022 से प्रभावी होने वाला है। तो देखिए इसमें क्या किया जाएगा, एनबीएफसी को यहाँ पर 4 सिनेरियो में बांटा जाएगा। तो देखिए पहली है एनबीएफसी बीएल मतलब बेस लाइन जिसको बोलते हैं, जिसको आधार परत के नाम से जानते हैं, और दूसरे में मध्य स्तर पर आपको देखने को मिलेगी एनबीएफसी एमएल, एमएल का मतलब है मिडिल लाइन बोलते हैं इसको, ऐसी एनबीएफसी यूएल मतलब अपर लाइन बोलते हैं, और इसी तरह से शीर्ष स्तर पर। तो चलिए बताते हैं कौन सी एनबीएफसी हैं उनको कौन सी कैटेगरी में रखा जाएगा। देखिए इस कैटेगरी में किसको रखा जाएगा, एनबीएफसी बीएल में उन उनको रखा जाएगा जिनको आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर एक हजार करोड़ रुपए की सीमा के साथ आपको देखने को मिलेगा, यानी कि उनका जो एसेट है जो परिसंपत्ति है वो 1 हजार करोड़ रुपए से कम की है। ओके तो ऐसी एनबीएफसी को यहाँ पर आधार परत के रूप में रखा जाएगा, एनबीएफसी बीएल के रूप में रखा जाएगा, और ऐसी एनबीएफसी जिनका एसेट है वो 1 हजार करोड़ रुपए से अधिक का है प्लस है तो उन्हें ये मध्यम स्तर पर रखा जाएगा, यानी कि एनबीएफसी एमएल में रखा जाएगा। ओके और इसी तरह से देखिए इसमें कोई यहाँ पर लिमिटेशन नहीं है, बल्कि यहाँ पर क्या है मध्यम स्तर की जो टॉप 10 होंगी, कितनी टॉप 10 होंगी, इन्हीं टॉप 10 को यहाँ पर उच्च स्तर पे रखा जाएगा, मतलब एनबीएफसी यूएल यानी कि टॉप 10 एनबीएफसी को रखा जाएगा। ओके तो ये चीज इसमें, और इसको क्या रखा जाएगा, खाली रखा जाएगा, यानी कि अगर यहाँ पर
यहाँ पर आरबीआई को लगता है कि इस श्रेणी में कुछ एनबीएफसी को रखा जाना चाहिए तो वो रख सकती है, अगर उसको लगता है नहीं रखा जाना चाहिए तो वो इसमें नहीं रखेगी। इसको एक तरह से रिक्त रखा गया है। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इसमें कौन सी होंगी जिनका एसेट 1,000 करोड़ रुपए से कम का है, इसमें किनको रखा जाएगा जिनमें 1,000 करोड़ से अधिक का एसेट मतलब परिसंपत्ति है, और टॉप 10 है वो इसमें रखी जाएंगी, और इसको क्या रखा गया एक तरह से रिक्त रखा गया। तो देखिए इसमें चेंज किया क्या गया है। तो देखिए जो उच्च स्तर की जो एनबीएफसी होंगी यानी कि एनबीएफसी यूएल होंगी, इनका नियामन कौन करेगी? तो इनका नियामन है वो जो वाणिज्यिक बैंकें होती हैं उन्हीं की भांति इनका नियामन किया जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण बात है। और मध्यम स्तर की जो एनबीएफसी हैं उनके लिए आर्बिट्रेज की शुरुआत की गई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये चीज आपको ध्यान रखनी नहीं है, और इसमें कोई चीज है वो रॉकेट साइंस वाली आपको देखने को नहीं मिलेगी। वही सेम चीज यहाँ पर सेम सेम आपको बताए हैं वो आपको देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर नए SBR, देखिए SBR इसकी फुल फॉर्म होती है स्केल बेस्ड रेगुलेशन। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म? स्केल बेस्ड रेगुलेशन की बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मौजूदा एनपीए वर्गीकरण जो मापदंड है उसमें क्या होता था, पहले जो एनबीएफसी होती थी उनके द्वारा जो ऋण दिया जाता था, उस ऋण में जो एनपीए है वो 90 दिन के अंदर जब उस पर रिटर्न नहीं मिलता था मतलब मूलधन और ब्याज ब्याज की प्राप्ति नहीं होती थी तो उसे एनपीए में नहीं रखा जाता था। वो बैंकों के लिए नियम था, एनबीएफसी के द्वारा जो ऋण दिया जाता था उसके लिए समय सीमा थी एनपीए के लिए वो 180 दिन की थी, लेकिन अब इसको चेंज कर दिया गया है, मार्च 2026 तक 90 दिनों का ही एनपीए वाला कॉन्सेप्ट इन पे लागू होगा, यानी कि बैंकों की तरह ही इन पर भी अब लागू होगा। ओके, इसके अलावा हम देख सकते हैं आईपीओ से जो पैसा जुटाने के लिए प्रति उधारकर्ता 1 करोड़ रुपए की ऊपरी सीमा आपको यहाँ पर निर्धारित की गई है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा बैंक या एनबीएफसी इसमें कार्य का अनुभव रखने वाले कम से कम एक निर्देशक को नियुक्त करना होगा। इसके अलावा मिडिल और अपर लेयर के एनबीएफसी के लिए पूंजी संबंधी दिशा निर्देशों में परिवर्तन थोड़े से किए गए हैं। इसके अलावा संशोधित ई गवर्नेंस दिशा निर्देश आपको देखने को मिलेंगे। बस इसमें और कोई भी रॉकेट साइंस वाली चीज नहीं है, बस आपको महत्वपूर्ण चीज ये ध्यान रखनी है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पर अब 90 दिनों का ही कॉन्सेप्ट एनपीए के संदर्भ में जो एनबीएफसी है उनके ऊपर भी लागू होगा, और इसके अलावा एक यहाँ पर निर्देशक की नियुक्ति करने की बात की गई है। तो चलिए हम लोग आते हैं थोड़ा सा पेमेंट बैंक के ऊपर, जिसको बोलते हैं भुगतान बैंक। भुगतान बैंक के बारे में आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, 2013 में नचिकेत मूर समिति के सुझाव के आधार पर वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने सुझाव दिया था कि जो वाणिज्यिक बैंकें हैं वो यहाँ पर इन जो भी वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सक्षम नहीं है तो हमें यहाँ पर वर्गीकृत अन्य बैंकों की स्थापना की करनी होगी, तो इसमें भुगतान बैंक का भी उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। फिर उसकी बाद में इनका भुगतान बैंक का गठन किया गया था। लेकिन आप लोग देखने को मिलेगा जो यहाँ पर पेमेंट बैंक जो आपको देखने को मिलेगी एयरटेल, आरबीआई ने इसको एक अनुसूचित बैंक का यहाँ पर दर्जा दे दिया है। अनुसूचित बैंक का दर्जा दे दिया किसने? आरबीआई के द्वारा यहाँ पर एयरटेल पेमेंट बैंक। आप लोग एयरटेल की सिम चलाते हैं तो उसमें आप पेमेंट बैंक भुगतान बैंक पहले वो थी, अब उसको दर्जा दे दिया गया है, अनुसूचित बैंक का दर्जा दे दिया गया। देखिए अनुसूचित बैंक का दर्जा दे दिया जाता है तो लाभ क्या होता है? तो बहुत सारे लाभ होते हैं। तो देखिए अनुसूचित बैंक किसे बोलते हैं, जैसे कि हम आपको बता चुके हैं कि आरबीआई अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में जिनके नाम लिस्टेड होते हैं उन्हें हम अनुसूचित बैंक कहते हैं और ये परिवर्तनशील होती है। ओके, तो देखिए इसके अंतर्गत अगर अनुसूचित बैंक के अंतर्गत किसी को रख दिया जाता है तो आरबीआई के द्वारा उनके लिए समर्थन दिया जाता है। इसके अलावा वो रिपो रेट रिवर्स रिपो रेट पर जाकर के रिपो रेट रिवर्स रिपो रेट पर जाकर के ऋण ले सकते हैं, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है उसका भी सुविधा ले सकते हैं। इसके अलावा अन्य अन्य सुविधाएं वो भी आरबीआई के द्वारा दी जाती हैं, और सभी प्रकार के वो जमा प्राप्त कर सकते हैं, ऋण दे सकते हैं, तो ये चीज आपको देखने को मिलेंगी। ओके, इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं कि पेमेंट बैंक के बारे में, तो जैसे कि हम आपको पहले ही सब कुछ पढ़ा चुके हैं, 2013 में नचिकेत मोर ने सिफारिश दी थी तो पेमेंट बैंक की स्थापना की गई थी। कंपनी अधिनियम 2013 के तहत ये पंजीकृत होती हैं और इनको लाइसेंस है वो बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत इनको लाइसेंस लेना होता है, लेकिन पंजीकृत कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत होती है जो कि पहले भी हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो
तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि शुरुआत के 5 वर्षों में हिस्सेदारी है वो 100% से 40% तक रखना अनिवार्य होता है। तो ये सारी चीजें हम आपको बता चुके हैं और कोई इसमें इंपॉर्टेंट चीज इतनी नहीं देखने को मिलेगी। चलिए हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं बे डिमांड डिपोजिट, ये भी हम सब सब कुछ हम लोगों को पढ़ा चुके हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी। जो डिमांड डिपोजिट है वो 1 लाख रुपए तक का स्वीकार कर सकती है, जैसे कि आप जाते हैं और मांग देता के रूप में अपना अकाउंट खुलाते हैं, वहां पर कितना रुपए मैक्सिमम रख सकते हैं, 1 लाख रुपए रख सकते हैं ऐसा करके। ओके, तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसके अलावा नगद आरक्षी अनुपात है, ओके, उसको बनाए रखना होता है, और वैधानिक तरलता अनुपात है के तहत वो सरकारी प्रतिभूतियां ट्रेजरी बिल के रूप में यहाँ पर रखती हैं। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर अस्थायी तरलता प्रबंधन के अंतर्गत इंटर बैंक अनलॉक, एक जो कॉल मनी होती है उसको भी यहाँ पर इस सुविधा है वो प्रदान की जाती है, और यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट चीज इतना नहीं देखने को मिलेगा, जैसे कि ये सारी चीजें हम आपको पढ़ा चुके हैं। और हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं निक्षेप बीमा। ओके, निक्षेप बीमा और प्रत्यास गारंटी निगम के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं, जिसको डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन के नाम से जानते हैं 1921। देखिए ये सुर्खियों में क्यों है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इस सुर्खियों में रहा है, क्यों सुर्खियों में रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो देखिए डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 के तहत आरबीआई के पूर्ण स्वामित्व वाली एक आपको सहायक कंपनी देखने को मिलेगी। किसके अंडर में आती है, ये आरबीआई के अंडर में आती है। ओके, और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो आरबीआई का जो डिप्टी गवर्नर होता है वो इसका क्या होता है, आपको अध्यक्ष आपको देखने को मिलेगा। तो काफी इंपॉर्टेंट बात है जो चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं कि यहाँ पर यह है 1961 डीआईसीजीसी अधिनियम और 1961 के डीआईसीजीसी सामान्य विनियमन के प्रावधान के आधार पर ये शासित होती है। ओके, और इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको एक बार इसी तरह से आपको देख लेना है। और देखिए यहाँ पर एक बीमित बैंक के जमाकर्ताओं को बीमित जमा राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी आपको देखने को मिलेगी। इसके बारे में देखिए आपको समझिएगा ध्यान से, देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इस निकाय का कार्य क्या है, इस निकाय का कार्य है जैसे आप किसी प्रीमियम का भुगतान करते हैं बैंक में जाकर के बीमा सुविधा लेते हैं, तो बैंक में जाकर के जो बीमा सुविधा लेते हैं तो बैंक पैसे लेकर के इस निकाय को दे देती है, और आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है या फिर जैसे कि आपने कार का या किसी चीज का इंश्योरेंस कराया, वो इंश्योरेंस का पैसा कहाँ चला जाएगा, इसके पास चला जाएगा, और अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो पैसा कौन देगी, तो ये पैसा देगी, तो उसके लिए उत्तरदायी आपको देखने को मिलेगी। तो प्रीमियम का भुगतान है वो किया जाता है वो इसके पास ट्रांसफर कर दिया जाता है, बाद में जो राशि ट्रांसफर की जाती है वो इसके द्वारा ही की जाती है, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। ओके, चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर पिछले बजट में जमा बीमा कवर को 1 लाख से बढ़ा करके कितना कर दिया गया था, 5 लाख रुपए कर दिया गया था। ओके, और इसके अतिरिक्त आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर कि 252 करोड़ खातों में 98.1% और कुल आकलन योग्य जमा राशि का 50% भाग पूरी तरह से बीमा कवर के अंतर्गत शामिल आपको देखने को मिलेगा। ओके, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 80% खाते पूरी तरह से सुरक्षित आपको देखने को मिलेंगे। कुल आकलन योग्य जमा राशि लगभग 20 से 30% आपको देखने को मिलेगी। ओके, और इसमें कोई इतनी आपको जो इतने सारे परसेंटेज हैं ये परसेंटेज आपको नहीं रटने हैं। ओके, वरना आप लोग इनको रटने बैठ जाएंगे। ओके, लेकिन यहाँ पर देखिए एक मोटा मोटा आप लोग देख लीजिए, जैसे कि जो बैंक समूह के अनुसार कुल जमा राशि की तुलना में बीमित जमा का जो प्रतिशत है वो आपको देखने को मिलेगा, जो आरआरबी है जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक देखने को मिलेगी उसमें 84% देखने को मिलेगा, सहकारी बैंकों में अगर हम बात करें तो 70%, एसबीआई के लिए 59%, जो पब्लिक सेक्टर की बैंक है उनके लिए 55%, निजी बैंकों के लिए यहाँ पर 40%, विदेशी बैंकों के लिए 9% आपको देखने को मिलेगा। ओके, देखिए यहाँ पर जो संशोधन किए गए हैं 2021 में तो वो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए जमाकर्ता को 90 दिनों, यहाँ पर जो मैक्सिमम अवधि की बात कर रहे हैं 90 दिनों के भीतर डीआईसीजी से अंतरिम भुगतान पाने की सुविधा की शुरुआत की गई है। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो समय सीमा है वो मैक्सिमम कितनी कर दी गई है,
90 दिन कर दी गई है। इसके अलावा बैंक की ओर से DICGC को समय पर पुनर्भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर कोई बैंक है वो अगर इसकी देरी करती है तो उसमें दंडात्मक ब्याज के रूप में लिया जाएगा, मतलब ब्याज उस पर लगाया जाएगा वो दंडात्मक रूप से होगा, जो चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रीमियम पर। देखिए यहाँ पर जो प्रीमियम है उस पर 15 पैसे यानी कि 0.15% की पूर्व सीमा को अब हटा दिया गया है। RBI से मंजूरी लेकर DICGC द्वारा प्रीमियम पर उच्च सीमा जो है वो अधिसूचित किया जाएगा। अपनी शर्त पर बीमा भुगतान के बाद जो बीमाकृत बैंकों से देय पुनर्भुगतान को स्थगित करने के लिए DICGC बोर्ड को सशक्त बनाया गया है, यानी कि इसके सशक्त करने की बात की गई है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं संपत्ति की गुणवत्ता और पुनर्गठन से संबंधित हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर दिवाला और संशोधन अक्षमता, जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड जिसको IBC के नाम से जानते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए हाल ही में संसद के द्वारा दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता विधेयक 2021 है वो पारित किया गया। इसके माध्यम से देखिए इसके माध्यम से सूक्ष्म लघु और जो मध्यम उद्यमों से संबंधित दिवाला कार्यवाही है उसके समाधान रिसोल्यूशन की बात की गई है। जैसे पहले से स्थापित जो प्रक्रिया थी वही प्रक्रिया सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के ऊपर भी रिसोल्यूशन की प्रक्रिया है वो अब लागू हुआ करेगी, इसलिए संशोधन किया गया था। यानी कि पूर्व निर्धारित जो दिवाला समाधान प्रक्रिया थी जिसको यहाँ पर इंसॉल्वेंसी रिसोल्यूशन प्रोसेस के नाम से यहाँ पर जानते हैं। रिसोल्यूशन का मतलब होता है कि किसी प्रकार से उसका समाधान किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, वो चीज आपको देखने को मिलेगी। IBC के बारे में अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो IBC के बारे में अगर हम बात करें तो यह है 2016 में किसी कंपनी या फिर देखिए जो भी संपत्ति है मालिकाना हक है जिसके फर्म की अगर किसी की साझेदारी है वो उस पर हक रखता है, तो दावाग्रस्त परिसंपत्ति के समाधान का प्रावधान किया गया है। पिछले 5 वर्षों में IBC ने भारत में एक दिवाला परितंत्र है उसका निर्माण किया है। ओके, इसके अलावा एक अपीलीय प्राधिकरण है के रूप में राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय अधिकरण के तहत किया गया है, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया के बारे में बात करें तो इसके अंतर्गत कुछ नहीं है। इसके अंतर्गत जो कब्जेदार देनदार होते हैं उनमें देखा जाता है कि किसी प्रकार से इनकी जो संपत्ति उसका रिसोल्यूशन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है इस कंपनी को, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान केंद्रित किया जाता है, तो वही चीज आपको देखने को मिलेगी। IPC के आपको 4 स्तंभ आपको देखने को मिलेंगे। इसमें देखिए मध्यवर्ती यहाँ पर कार्य समाधान की बात की जाती है, दूसरे में सूचना उपयोगिता की बात की जाती है, मतलब यहाँ पर एक तरह से डेटा कलेक्शन किया जाता है, और तीसरे में यहाँ पर न्याय निर्णय के लिए प्राधिकरण का के गठन की यहाँ पर बात की गई है, और तीसरे में आपको देखने को मिलेगा एक यहाँ पर विनियामक मतलब रेगुलेटर की बात की गई है कि भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड है वो किसका काम करेगा, विनियमन का कार्य करेगा। तो 4 स्तंभ आपको देखने को मिलेंगे। ओके, और इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज इतनी नहीं देखने को मिलेगी, जैसे कि यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो आपको पहले भी यहाँ पर पढ़ा दी गई हैं। ओके, देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो यहाँ पर दिवाला समाधान प्रक्रिया और कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया है इसमें थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है वो देख लेते हैं। देखिए दिवाला प्रक्रिया के दौरान कंपनी या फर्म पर नियंत्रण की बात करें तो देखिए इसके अंतर्गत जो दिवाला समाधान प्रक्रिया इसके अंतर्गत जो जो फर्म पर नियंत्रण होता है वो देनदारों का आपको देखने को मिलेगा, किसका, जो देनदारों का ही यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो जो यहाँ पर नियंत्रण होता है वो दिया जा सकता है। इसके अलावा समय सीमा है वो यहाँ पर 120 दिन देखने को मिलेगी, यहाँ पर 270 दिन का समय सीमा का निर्धारण किया गया है। और देखिए अगर हम समाधान प्रक्रिया की बात करें तो देखिए एक एक आपको देखने को मिलेगा कि जो संकटग्रस्त कंपनी नंबर एक और दूसरा सुरक्षित देनदार और साथ में आपको देखने को मिलेगा मौजूदा स्वामिया जो स्वामी होते हैं और साथ में बाह्य निवेशकों के मध्य प्रत्यक्ष समझौता आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा
खुली निविदा प्रणाली के माध्यम से समाधान आपको देखने को मिलेगा। ओके, देखिए यहाँ पर जो नियंत्रण होता है वो देनदारों के पास में आपको देखने को मिलेगा। ओके, ये चीज आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, किसके ऊपर? जो देनदार होते हैं उनके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। ओके, चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 2019 में भारतीय दिवाला शोधन अक्षमता बोर्ड आईबीसी 2016 की जो ट्रैकिंग करने के लिए एक कार्य समूह है उसका गठन किया गया था। इस कार्य समूह का नाम था जीएन वाजपेयी समिति। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, जीएन वाजपेयी समिति का यहाँ पर गठन किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसका काम क्या था? इसका ट्रैकिंग करना। ओके, एक तरह से। ओके, चलिए हम लोग क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी की बात कर लेते हैं। क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी का मतलब है कि अगर कोई कर्जदाता है उसकी ये संपत्ति है वो एक से ज्यादा देशों के अंदर है, साथ में उसने ऋण लिया रखा है वो एक से ज्यादा देशों से लिया रखा है, तो उसके संबंध में यहाँ पर कुछ प्रावधान किए गए हैं। तो देखिए इसके संबंध में उसकी संपत्ति है, ओके, किसे बोलते हैं तो वो बताया गया, जो सेम चीज अभी हम आपको बताएं। इसके अलावा तो देखिए उसके जो निराकरण की बात की गई है वो आईबीसी 2016 की धारा 234 और 235 में आपको देखने को मिलेगी। देखिए 235 है, 234 है, 234 यहाँ पर केंद्र सरकार को एक शक्ति देती है, केंद्र सरकार को ये शक्ति देती है, और 235 है ये जो हमारे न्यायालय होते हैं, जो प्राधिकरण होते हैं, न्यायालय प्राधिकरण होते हैं उनके लिए ये शक्ति देती है कि वो विदेशी न्यायालयों से अनुरोध कर सकती है इस प्रकार का कि वो इस पर सुनवाई करे, इस पर मामला चलाए। ओके, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। और इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज इतनी नहीं है। इसके अलावा देखिए आपको देखने को मिलेगा कि नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड आपको देखने को मिलेगी, NARCL के नाम से जानते हैं, इंडियन डेट रिसोल्यूशन कंपनी लिमिटेड आपको देखने को मिलेगी। ये क्या है? ये आपको ARCs देखने को मिलेगी। ये क्या करती हैं? वैसे तो हमारे देश में बहुत सारी ARCs, लगभग में 28 ARCs हैं, वो पहले से ही कार्यरत हैं, लेकिन इनकी स्थापना की गई है, इनका भी कार्य आपको देखने को मिलेगा कि बैंकों का जो NPA है उसकी वसूली करना कहीं ना कहीं। तो देखिए पहले से चले आ रहे NPA का समाधान करने और बैंकों की बाहियों को साफ करने के लिए 2021 में दो नई संबंधित कंपनियां, यानी कि एक ये कंपनी है दूसरी ये कंपनी है, इसका गठन किया गया है। ओके, तो देखिए इसका भी कार्य क्या है? जैसे कि अन्य अन्य ARCs काम करेंगी, वैसे ही ये ARC भी काम करेगी। जैसे कि हम आपको बताए थे SARPC अधिनियम के अंतर्गत यहाँ पर इनके लिए शक्ति प्रदान की जाती है, पहले से लगभग में 28 ARCs उपलब्ध है, लेकिन फिर भी बैंकों का बहुत बड़ा NPA है, उसके लिए हमें और इस प्रकार की संस्थाओं की जरूरत है, तो यहाँ पर इनका गठन किया गया है। देखिए हम अगर NARCL की बात करें तो देखिए इस पर इसका जो स्वामित्व है वो पब्लिक सेक्टर की बैंकों के पास में है, लेकिन IDRCL का जो जो स्वामित्व है वो निजी बैंकों के पास में, यानी कि निजी क्षेत्र की बैंकों के पास में 51% हिस्सेदारी है, शेष हिस्सेदारी है वो पब्लिक सेक्टर की बैंकों की है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। यानी कि यहाँ पर जो प्राइवेट बैंक हैं उनके पास में यहाँ पर स्वामित्व है, इसका स्वामित्व पब्लिक सेक्टर की जो बैंक्स हैं उनके पास में स्वामित्व आपको देखने को मिलेगा। ओके, चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए जो ARCs हैं इनका जो गठन किया जाता है, तो इनका गठन है वो कंपनी अधिनियम 2013 जो कंपनी अधिनियम है उसके अंतर्गत किया जाता है, लेकिन इनका जो पंजीयन किया जाता है वो पंजीयन किया जाता है वित्तीय अस्थियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत इसका किया जाता है। ओके, तो आपको देखने को मिलेगा 2002 की धारा 3 के अंतर्गत इनका पंजीयन किया जाता है। ओके, इनका गठन कंपनी अधिनियम के अंतर्गत ही आर्थिक का किया जाता है। ओके, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, समाधान प्रक्रिया की बात करते हैं। समाधान प्रक्रिया के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा जो लीड बैंक को ऑफर देकर 2 लाख करोड़ रुपए की परिसंपत्ति का अधिग्रहण करेगा, इसका आपको देखने को मिलेगा, तो लीड बैंक को ऑफर देकर। ओके, इसमें क्या होता है आपको बताते हैं। जैसे कि एक बैंक है उसके पास में देखिए यहाँ पर बना हुआ है, जैसे एक बैंक है, इस बैंक की बहुत सारा आपको ये ARC है आपको देखने को मिलेगा, और इधर ये बैंक है। ओके, इस पे बहुत सारा NPA है, तो
तो ये वसूली करने के लिए क्या करेगा, इसके जो बैंक का एनपीए है इसको ये खरीद लेगा, ओके खरीद लेगा। और खरीदने के बाद मतलब खरीदेगा तो इसको कुछ भुगतान करना पड़ेगा। जैसे मानते हैं इस पर 100 रुपए का, 100% नहीं, 100 रुपए का एनपीए है, तो 100 रुपए का एनपीए है तो ये आरसीएस खरीद लेंगी। खरीदने के लिए कम से कम आपको देखने को मिलेगा 15% अग्रिम भुगतान करना पड़ेगा, यानी कि 100 रुपए का 15% कितना हुआ, 15 रुपए, यानी कि जो 15 रुपए है वो सिर्फ भुगतान करेंगे और भुगतान करके दे देंगे बैंकों के लिए, और 100 रुपए का जो एनपीए है वो ये ले लेंगी, पट्टे पर ले लेंगी या फिर किसी भी तरह से ले लेंगी। और फिर उस फिर अपने जो यहाँ पर एम्प्लॉय होंगे उनके माध्यम से यहाँ पर इनकी रिकवरी की जाएगी। जैसे ऋण लेने वाला है तो ऋण लेने वाले की संपत्ति है उसका नीलामी किया जाएगा, या फिर उससे किसी भी प्रकार से वसूली की जाएगी, अगर वो सक्षम है तो वहां पर जाकर के वसूली की जाएगी। ओके, तो देखिए यहाँ पर कम से कम 15% है उसका भुगतान करना होता है, और शेष का भुगतान है वो बाद में करना होता है जब इसकी रिकवरी हो जाती है, तो वो चीज आपको देखने को मिलेगी। और इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी। ओके, तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट चीज है, वही आपको ध्यान रखना है। लगभग पे 2 लाख करोड़ रुपए का जो एनपीए है, परिसंपत्ति है, उसका अधिग्रहण किया जाएगा। और देखिए यहाँ पर देखिए स्विस प्रक्रिया क्या है, स्विस प्रक्रिया नीलामी, बोली लगाते हैं ना, जैसे 1001, 1002, 1003, तो वो दूसरे कहता है 10,000, फिर कहते हैं 10,001, 10,002, फिर वो कहता है कि 11,000, तो यानी कि इसी को बोलते हैं स्विस चैलेंज प्रक्रिया। ओके, इसमें बोली लगाई जाती है। ओके, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। ओके, तो देखिए यहाँ पर ये एआरटीएस का जो परिसंपत्ति अधिग्रहण और समाधान होगा उसके अंतर्गत यहाँ पर 15-85 संरचना लागू होगी। 15-85 मतलब 15% का अग्रिम भुगतान करना होता है, 85% का बाद में। ओके, एसआर के रूप में सिक्योरिटी रिसीट है वो दे दिया जाता है कि भाई 85% के बराबर जब रिकवरी हो जाएगी तब आप हमको इसको रिटर्न करना, हम आपको पैसे दे देंगे, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगा। ओके, और इसकी गारंटी है वो कौन देगी, सरकार द्वारा समर्पित होगा जो एसआर आपको देखने को मिलेगा। सिक्योरिटी रिसीप्ट होगा वो किसके द्वारा समर्पित होगा, सरकार के द्वारा समर्पित होगा। ओके, और आपको देखने को मिलेगा जो यहाँ पर सरकार के द्वारा गारंटी दी जाएगी तो यहाँ पर 5 वर्षों तक ये वैध होगा। और आपको देखने को मिलेगा कि इसकी जल्द से जल्द वसूली के लिए यहाँ पर हल्के हल्के इस पर जो शुल्क है वो यहाँ पर बढ़ाया जाएगा। ओके, जिससे क्या हो, ये आरसीस है वो जल्द से जल्द क्या करे, अपने एसिड है जो एनपीए है उसकी वसूली करना प्रारंभ करे जो उन्होंने बैंकों से लिया है। ओके, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एनएआरपीएल केवल उन्हीं परिसंपत्तियों का पुनर्गठन करेगी जिन्हें ऋणदाताओं द्वारा 100% के तौर पर उपलब्ध कराया जाएगा। ओके, यानी कि जो फ्रॉड के माध्यम से जो ऋण लिया गया है तो उस प्रकार के एनपीए की वसूली यहाँ पर ये नहीं करेगी। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। मौद्रिक नीतियों की बात करें तो अगर हम मौद्रिक नीतियों की बात करें तो यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यहाँ पर अधिशेष अंतरण है वो भारत सरकार को किया गया है, तो कितना किया गया तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर 99,000 करोड़ रुपए का अधिशेष है लाभांश के रूप में भारत सरकार को एक तरह से दिया गया है। ये आखिर लाभ कहाँ से होता है, तो लाभ बहुत आधारों से होता है, जैसे कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के तहत आरबीआई है वो रिवर्स रिपो रेट पर कम ब्याज दर पर बैंकों से ऋण लेती है और उस ऋण को दूसरी अन्य बैंकों को रिपो रेट पर यानी कि अधिक दर पर दे देती है, जिससे उसको बहुत ज्यादा यहाँ पर लाभ हो जाता है। इसके अलावा अन्य अन्य भी यहाँ पर चीजें होती है जिनके माध्यम से वो आय सृजित करती है, जैसे कि बहुत सारे लोगों पर टैक्स लगाती है। ओके, जैसे कोई बैंक है वो सीआरआर एफएलआर ना रखे या फिर नियमों का पालन ना करे तो उसके ऊपर जुर्माना लगा देती है। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं प्रतिभूतियों को खरीद बेच करके भी वो लाभ कमाती है। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं कि विदेशी स्रोतों से प्रतिफल होता है उस पर भी टैक्स लगा देती है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर विभिन्न माध्यमों से आरबीआई है वो अपनी आय सुनिश्चित करती है। और देखिए इस आय को कहाँ पर वो व्यय करती है, तो आप देख सकते हैं कि वो आरबीआई के भंडार में जोखिम के लिए व्यवस्था करना, आकस्मिक निधि है उसका भंडारण करना, परिसंपत्ति विकास निधि है उसमें निवेश करना, इसके अलावा एजेंसी पर जो प्रभार होता है वो उस पर 15% का खर्च, नोटों का मुद्रण, नए नोट जारी करने के लिए 12%, कर्मचारी लागत है वो 10% आपको सॉरी
10% आपको देखने को मिलेगा। समग्र रूप से अगर हम बात करें तो देखिए, समग्र रूप से जो सिर्फ आपको देखने को मिलेगा आरबीआई का कुल व्यय होता है, वो आपको निवल ब्याज, केवल जो ब्याज होता है उससे जो उसकी आय होती है उसका 1/7 भाग ही देखने को मिलेगा। यानी कि इस वजह से आरबीआई को बहुत ज्यादा लाभ होता है और उस लाभ का हस्तांतरण आरबीआई सरकार को कर देती है। ओके, अपना खर्च वर्च चलाने के बाद जो उसके पास पैसा बचता है वो दे देती है। ओके, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। अधिशेष के जो देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये क्या हो गया, एक्चुअली ये चल क्यों नहीं रहा है। तो देखिए, आरबीआई सरकार को अधिशेष और अंतरित करता है। तो ये देखिए किसके अंतर्गत, तो आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा आपको 47 के अंतर्गत यहाँ पर एक किया जाता है कि सरकार को अधिशेष जो आरबीआई होती है वो अधिशेष होती है सरकार के लिए ट्रांसफर कर देती है। ओके, इसके अलावा विभिन्न समितियों का गठन किया गया था समय समय पर। तो आप लोग देख सकते हैं कि 1997 में बी सुब्रमण्यम के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया। इसी तरह से 2004 में उषा थोराट और 2013 में बाई एच मालेगम समिति का गठन किया गया था। इसी तरह से 2018 में विमल का गठन किया गया था। और देखिए, विमल जो जलान समिति है ये आपको देखने को मिलेगा आर्थिक पूंजी ढांचा प्रदान किया इसने आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसके तहत भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 47 के तहत जोखिम के लिए की जाने वाली व्यवस्था और लाभ वितरण के उचित स्तर को निर्धारित करने हेतु एक पद्धति प्रदान करता है। ओके, इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि जो संशोधित सीईएफ के अनुसार आरबीआई द्वारा केंद्र को अनिवार्य रूप से जो अंतरित की जाने वाली राशि का निर्धारण निम्नलिखित दो कारकों के आधार पर होता है। वसूल की गई इक्विटी आपको देखने को मिलेगा। ओके, इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा आर्थिक पूंजी। ओके, ये दो चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ओके, यहाँ पर देखिए जो तुलन पत्र है उसका 20 से 24% यहाँ पर सीमा आपको देखने को मिलेगी। ये इंपॉर्टेंट है, आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का अधिशेष है वो तेजी से क्यों बढ़ा। तो इसके बहुत सारे कारण थे, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर नंबर एक आपको देखने को मिलेगा एलटीआरओ और टीएलटीआरओ के माध्यम से आरबीआई के लिए अतिरिक्त लाभ यहाँ पर सृजित हुआ। कोरोना के काल में यहाँ पर लोग है उनका उपभोग कम हुआ। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं कि जो आरबीआई है जब यात्रा होती है तो यात्रा के दौरान विदेशी यात्राएं होती है तो जो विदेशी मुद्रा होता है उसका पलायन ज्यादा होता है। अब देखिए कोरोना काल की वजह से विदेशी यात्राएं रुक गई, तो जो लोग पैसा खर्च करते थे ले जा करके तो वो पैसा खर्च नहीं हुआ, तो हमारे विदेशी भंडार में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर ये चीज आपको देखने को मिलेगी। ओके, तो इस वजह से ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। ओके, इसके अलावा खुली बाजार की प्रक्रिया है, खुली बाजार की प्रक्रिया के माध्यम से भी आरबीआई को बहुत बहुत सारा लाभ हुआ है। ओके, इसी के अलावा हम लोग देखते हैं भारत का विदेशी मुद्रा भंडारण। भारत का विदेशी मुद्रा भंडारण है वो अब तक का सबसे ज्यादा रिकॉर्ड दर्ज किया गया, 642 अमेरिकी डॉलर पर पहुंच गया है। ओके, और इसके आधार पर भारत है वो चौथे स्थान पर विश्व में हो गया जिसका सबसे बड़ा विदेशी भंडार देखने को मिलेगा। पहले स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर जापान है और तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड देखने को मिलेगा और चौथे स्थान पर भारत आपको देखने को मिलेगा। ओके, विदेशी मुद्रा भंडारण के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए विदेशी मुद्रा भंडारण के बारे में बात करें तो इसका भंडारण है जो परिसंपत्ति होती है वो इसमें रखी जाती है। इसमें कौन कौन सी रखी जाती है, तो देखिए विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों का प्रभुत्व इसमें अधिक होता है। यानी कि इसमें आपको देखने को मिलेगा जैसे कि डॉलर हो गया, यूरो हो गया, ब्रिटिश पाउंड हो गया, जापानी येन हो गया और इसके अलावा चीनी युआन है। इन विदेशी मुद्राओं को इसके अंतर्गत रखा जाता है। इसके अलावा भी इन विदेशी मुद्राओं के अतिरिक्त भी बहुत सारी चीजें रखी जाती हैं जैसे कि बॉन्ड, ट्रेजरी बिल, स्वर्ण भंडार यानी कि सोने को इसमें रखा जाता है। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है, ओके, उसकी जो मुद्रा है जिसको एसडीआर बोलते हैं, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स बोलते हैं, इसको भी इसके अंतर्गत रखा जाता है। ओके, और मुख्य रूप से जो विदेशी भंडार होता है इसमें क्या रखा जाता है, अमेरिकी डॉलर ही रखा जाता है। ओके,
इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा, इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि भारतीय जो विदेशी मुद्रा भंडार है इसमें वृद्धि क्यों हुई है। तो देखिए वृद्धि इसलिए हुई है क्योंकि देखिए यहाँ पर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो बड़ा है, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो भी बड़ा है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है वो भी यहाँ पर आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, जिससे भारत में इनफ्लो ज्यादा हुआ है। इसके अलावा COVID-19 की वजह से उपभोग में कमी आई है। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा यात्रा पर प्रतिबंध की वजह से पूंजी बाहर कम गई है। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा विगत 2 वर्षों में प्रवासी भारतीयों ने रिकॉर्ड दर पर जो अमेरिकी डॉलर है 80 अरब अमेरिकी डॉलर है उसको भारत में भेजा है, जिस कारण हमारा जो विदेशी मुद्रा कोष है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। देखिए अगर विदेशी मुद्रा कोष अधिक होता है तो उसके पक्ष में बहुत सारे तर्क दिए जाते हैं, जैसे कि जो तेलों के मूल्य में अस्थिरता है उससे हमें कहीं ना कहीं सुरक्षा मिलती है, जो हॉट मनी है वो उसके उच्च प्रभाव में संबंधित जो जोखिम होता है उसको कम किया जा सकता है। इसके अलावा विनिमय दर है उसको प्रबंधित किया जा सकता है। वैसे तो 1993 से स्वतंत्र रूप से सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन अगर हमारी मुद्रा है वो बहुत ज्यादा कम ज्यादा होती है विदेशी मुद्रा की तुलना में, तो हम इसके माध्यम से उसको प्रतिबंधित कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं अगर हमारे पास विदेशी मुद्रा कोष है तो। इसके अलावा निवेश में विश्वास है वो भी बढ़ता है, चालू खाता घाटे के वित्त पोषण में भी हमको कहीं ना कहीं सहायता मिलती है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा क्षेत्रीय नेतृत्व करता है वो भी बनने का हमें मौका मिलता है। इसके अलावा जैसे कि आप देख सकते हैं सार्क जैसे पड़ोसी देश हैं हमारे, इनको हम वित्तीय सहायता दे सकते हैं। इसके अलावा आर्थिक जोखिम के विरुद्ध जो चल निधि है उससे भी कहीं ना कहीं सुरक्षा मिलती है, और मौद्रिक प्रोत्साहन वापसी के विरुद्ध यहाँ पर कहीं ना कहीं सहारा मिलता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं कि इसमें विपक्ष में तर्क, तो विपक्ष में भी बहुत सारे तर्क दिए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर कि अधिक अमेरिकी डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार होगा तो इससे 2021-22 के अनुमानित आयात के संदर्भ में लगभग 15 महीने के आयात की पूर्ति के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा विदेशी मुद्रा भंडार पर निम्नलिखित प्रतिफल, सामान्यतः विकसित अर्थव्यवस्थाओं में लगभग शून्य ब्याज दरों के कारण इस पर लगभग 1% या उसमें कम का प्रतिफल प्राप्त होता है, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। और इसमें देखिए यहाँ पर धन आपूर्ति का आकलन है, तो जो कि हम आपको अभी बताए थे वही सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, और यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट चीज इतनी नहीं है। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर एनपीए के बारे में, गैर निष्पादन परिसंपत्ति के बारे में। तो देखिए गैर निष्पादन परिसंपत्ति किसे कहते हैं, जिसमें 90 दिनों तक, कितने दिनों तक, 90 डेज तक कोई भी ब्याज और मूलधन की प्राप्ति नहीं होती है, तो ऐसे एसेट को एनपीए की श्रेणी में रख दिया जाता है। लेकिन एनपीए से पहले भी इसे यहाँ पर कुछ यहाँ पर श्रेणियों में रखा जाता है, जिसे जिसे विशेष उल्लेख खाता, जिसे शॉर्ट में एसएमए, एसएमए 0, यहाँ पर 1, 2, यानी कि 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, यानी कि ऐसा मूलधन, ऐसा ऋण जिस पर मूलधन और ब्याज की प्राप्ति 1 दिन से 30 दिनों के बीच में ना हो उसे कैटेगरी 0 में रखा जाएगा। और इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर 31 दिनों से 60 दिनों के बीच में अगर ना ही किसी ऋण पर ब्याज की प्राप्ति होती है और ना ही किसी मूलधन की प्राप्ति होती है तो उसे कैटेगरी सेकंड में रख दिया जाएगा, और इसी तरह कैटेगरी थर्ड में रख दिया जाएगा, जिसे SMA 2 के नाम से जानते हैं। और 90 दिनों के बाद फिर किस में रख दिया जाएगा, एनपीए की श्रेणी में रख दिया जाएगा, और एनपीए की भी 3 श्रेणियां आपको देखने को मिलेंगी। जिसे जिसकी फर्स्ट आपको देखने को मिलेगी सब स्टैंडर्ड, दूसरी डाउटफुल देखने को मिलेगी, तीसरी लॉस एसेट। देखिए सब स्टैंडर्ड जैसे कि आपको पढ़ाए थे 90 दिनों से लेकर के 12 महीने तक का, यानी कि 90 दिनों से लेकर के 90 दिनों से लेकर के 1 साल तक, यानी कि 12 मंथ तक आप लोग बोल सकते हैं, जो कैटेगरी फर्स्ट में रखते हैं इसको सब स्टैंडर्ड एसेट बोलते हैं, और इसमें पूर्व उपाय के रूप में 15%, 25% जैसे कि आपको बताए थे डाउटफुल, और ऐसी संपत्ति जो क्या है संदिग्ध है, और जो सुरक्षित और असुरक्षित में हम 2 भागों में जिसको बांटे थे, जो सुरक्षित होती है उसके परिप्रेक्ष्य में 15%, असुरक्षित होती है तो 25% पूर्व उपाय के रूप में बैंकों को रखना होता है। फिर 12 महीने से 3 साल के बीच में हम डाउटफुल एसेट के अंतर्गत उसको रखते हैं, इसमें 40% पूर्व उपाय के रूप में धनराशि रखी जाती है, और लॉस एसेट 3 साल से अधिक तक
अगर ब्याज और मूलधन की प्राप्ति ना हो तो उसे लॉस एसेट बोलते हैं। इसके इसके रूप में 100% पूर्व उपाय के रूप में धनराशि रखते हैं, जो कि हम आपको पहले ही ये सारी चीजें पढ़ा चुके हैं। पूंजी पर्याप्तता अनुपात, पूंजी पर्याप्तता अनुपात क्या है? तो देखिए, ये वह अनुपात है, वह पूंजी है, ओके, जो एक बैंक को अपनी कुल परिसंपत्ति के प्रतिशत के रूप में रखना पड़ता है, ओके। इसके अलावा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा लीवरेज अनुपात। देखिए, लीवरेज अनुपात है, यह दर्शाता है कि एक ऋणदाता ने आय उत्पन्न करने के लिए धन उधार लेने में खुद को कितना अधिक बढ़ाया है और कितनी उसे छूट दी गई है, ओके। ये चीज है उसके बारे में यहाँ पर बताता है, और साथ में ऋणदाता के लिए उतना ही जोखिम भरा होता है जितना इसका लीवरेज अनुपात है, वो ज्यादा देखने को मिलेगा। इसके अलावा परिसंपत्ति पर प्रतिफल या रिटर्न ऑन एसेट की अगर हम बात करें, तो देखिए यहाँ पर जो परिसंपत्ति है उस पर शुद्ध रूप से जो आय प्राप्त होती है, ये चल भी नहीं रहा है, शुद्ध रूप से जो आय यानी कि मुनाफा होता है उसे बोलते हैं रिटर्न ऑन एसेट के नाम से जानते हैं। हेयर कट किसे बोलते हैं? हेयर कट देखिए हम उसको बोलते हैं, जैसे कि अगर आप बैंक बैंक से जाएंगे 100 रुपए लेने जाएंगे, 100 रुपए ऋण के रूप में जाएंगे, तो मुफ्त में नहीं देगी, वो कहेगी चलो आप क्या करिए अपने घर के कागज गिरवी रख दीजिए, तो आपके घर की कीमत भी मानते हैं 110 रुपए। कितनी है? 110 रुपए, यानी कि आपके घर की कीमत कितनी है? 110 रुपए, लेकिन वो क्या है उससे कम ही इसका मूल्य आंकती है, यानी कि 110 रुपए है तो वो कितना कहेगी, भाई हम आपके घर का मूल्य है वो 100 रुपए मानेंगे, यानी कि यहाँ पर कितना -10 रुपए क्या हो गया, कम कर दिया, तो इसी को क्या बोलेंगे, हेयर कटक बोलेंगे, ओके। तो इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा सह ऋण यानी कि को लेंडिंग के बारे में अगर हम बात करें, तो को लेंडिंग क्या है? तो को लेंडिंग या को लेंडिंग एक प्रणाली है, इसके तहत बैंक और गैर बैंकिंग द्वारा प्राथमिकता वाले क्षेत्र जो होते हैं उनको ऋण देने के लिए एक संयुक्त रूप से सहयोग दिया जाता है, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। प्रावधान कवरेज अनुपात क्या है? तो एनपीए की तुलना में बैंक द्वारा की जाने वाली प्रोविजिंग का अनुपात आपको देखने को मिलेगा, ओके। और यह एनपीए जब डूब जाता है तो डूब जाने की स्थिति में एक एक सेपरेट अमाउंट होता है बैंक द्वारा अलग निकाल के रख लिया जाता है, तो उसी के लिए बोलते हैं प्रावधान कवरेज अनुपात के नाम से जानते हैं, ओके। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा एकीकृत पर्यवेक्षण और निगरानी हेतु जो विनियमित संस्थाओं के लिए मंच, जिसको प्रिज्म बोलते हैं, ओके। प्रिज्म क्या है? तो देखिए प्रिज्म आपको देखने को मिलेगा कि भारतीय रिजर्व बैंक है, इसने प्रिज्म की स्थापना यहाँ पर की है। यह बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों सहित जो पर्यवेक्षित संस्थाओं द्वारा अनुपालन को सुदृढ़ करने के लिए वेब आधारित शुरुआत आपको देखने को मिलेगी और कार्य प्रगति स्वचालन प्रणाली के रूप में एक कार्य करेगी, ओके। इसके माध्यम से देखिए यहाँ पर बैंकों के ऊपर निगरानी रखी जाएगी, ओके। साइबर सुरक्षा है उससे संबंधित यहाँ पर शिक्षा भी दी जाएगी, क्या क्या प्रावधान किए जाने चाहिए उनकी जानकारी भी दी जाएगी, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा। विनियामक डैशबोर्ड के बारे में अगर हम बात करें, तो विनियामक डैशबोर्ड है, इसके माध्यम से नए वित्तीय नवाचार जो लाभ है और जोखिम है, ओके, इन पर जो साक्ष्य है वो एकत्रित करने की अनुमति प्रदान की जाएगी, ओके। इसके अलावा उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण है, तो उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण है ये आरबीआई के द्वारा संचालित किया जाता है, और इसके माध्यम से समान आर्थिक स्थिति, रोजगार परिदृश्य, मूल्य स्तर तथा जो परिवार की आय और व्यय पर परिवारों की संवेदनाओं के संदर्भ में उन्हें गुणात्मक प्रतिक्रिया एकत्रित करता है, ओके। इसके अलावा मुद्रा स्फीति पर, घरेलू उपेक्षाओं पर सर्वेक्षण, ये भी किसके द्वारा आपको देखने को मिलेगा, ये भी भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने आईईएसएच के आगामी दौर की शुरुआत की घोषणा की है। इसमें देखिए देखा जाता है कि मुद्रा स्फीति है उसका उपभोक्ता पर आकलन किया जाता है कि उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, और उसी के आधार पर मौद्रिक नीतियां है वो जारी करती है। इसके आधार पर देखिए सर्वेक्षण है वो 18 शहरों में लगभग 6,000 से अधिक परिवारों के साथ में यहाँ पर व्यक्तिगत डाटा है उसको साझा किया जाएगा, मतलब उनसे डेटा कलेक्ट किया जाएगा, ये चीज आपको देखने को मिलेगी, ओके। और देखिए आज का लेक्चर है वो यहाँ पर ही फिनिश होता है, अगले का लेक्चर है वो आपको कल आपको मिल जाएगा, ओके। चलिए आज का लेक्चर यहाँ पर ही फिनिश करते हैं, और इसी तरह सब आपको डेली क्लासेस मिलने लगेंगी, ओके। चलिए।